Hi, good afternoon, friends. Hello, am I audible? Am I audible? Hello. आवाज आ रही है? अरे यार, आ रही थी क्या? करो जो तुम्हें। हेलो, हेलो, मीटिंग हेलो, एडमिटोल। सर। यस, इट्स ऑडिबल। हेलो, इंटरनेट केम डिस्कनेक्ट थी जाए जाने लगा हो जाए। ये जरूर नहीं पड़े हम तो इन्हें। एक सेकंड, ओके। हेलो, यस सर। तो अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही यस है? स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ सर। ओके, गुड। तो जो जो आज का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो यहां से स्टार्ट करते हैं। म्यूट म्यूट म्यूट, आप सब लोग खुद को म्यूट करके रखिए। ओके, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द विचार विमर्श। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विचार विमर्श? वी आर डिस्कसिंग समथिंग, सो दिस डिस्कशन कैन हेल्प यू आउट फॉर डाउन द लाइन। आप इसका यूज करके यू build your best future in your life. So under this section we are going to discuss various subjects in various topic down the line, but the most important point is the permanent residency of Canada. बहुत सारे students मुझे continuously ये question पूछते रहते हैं और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि we are not dealing with the permanent residency. That's why I am not going to give you the very detailed information about it. But आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है। मतलब द स्टूडेंट्स शुड हैव टू गेट द एजुकेशन अबाउट द परमानेंट रेसिडेंसी। वंस यू आर गोइंग टू एजुकेटेड देन आप किसी भी प्रोफेशनल के साथ में कुछ अलग तरीके से बात कर सकते हो। ओके, व्हाट इज पीआर, व्हाट इज परमानेंट रेसिडेंसी पॉइंट सिस्टम, व्हाट इज सीआरएस सिस्टम, सीआरएस टूल क्या है, 67 पॉइंट्स क्या है, पीएनपी क्या है, स्किल्ड वर्क इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है,
तो आज हम जो डिस्कस करने वाले, वी आर गोइंग टू कवर द प्रीटी मच ऑल द अम्ब्रेला. अम्ब्रेला के अंडर में हम बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली हैंड होल्डिंग करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस सिनेरियोस और वो सिनेरियोस से आप खुद को एक प्लॉट कर पाओगे कि वेर यू आर एंड वेर यू हैव टू बी टू गेट द परमानेंट रेसिडेंसी. ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे को एक नया टॉपिक लेके आएंगे, पर आज हम कैनेडा पीआर के ऊपर डिस्कशन करते हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, कैनेडा इमिग्रेशन. तो कैनेडा इमिग्रेशन जनरली क्या होता है, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इमिग्रेशन ऑफ एनी कंट्री, दे आर गिविंग परमिशन टू ओवरसीज सिटीजन्स इन दैट वो अपने देश में उसको परमिट करते हैं. अब उसको मिनिमाइज म्यूट कर दीजिए प्लीज, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए खुद को. सो देर आर मोर देन 60 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द इमिग्रेशन, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस विद द ईच एंड एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसीज. बट मेन इमिग्रेशन पॉलिसीज आर बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिकल ग्राउंड. एक होती है इकोनॉमिकल ग्राउंड, मीन्स जिसको भी इमिग्रेशन देते हैं तो परमानेंट रेसिडेंट, दोज हु आर स्टार्ट लिविंग इन द कंट्री, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. उसमें फेडरल स्किल्ड वर्कर आते हैं, उसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस कैटेगरी आती है, उसमें फेडरल स्किल्स ट्रेड वो भी इसमें आते हैं. तो एक डायरेक्ट इकोनॉमिकल कॉन्ट्रीब्यूटर की बात हुई. दूसरी, इफ यू आर ए बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, तो वो कैटेगरी में बिजनेस इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ये कैटेगरी भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के सेक्शन में ही आती है. बट दिस इज अ डिफरेंट सेगमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है. दूसरी, फैमिली कैटेगरीज भी होती है. क्यूबेक इमिग्रेशन इसीलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि कैनेडा में एक होता है फेडरल लॉ. फेडरल लॉ का मतलब कि पूरे कैनेडा के सारे प्रोविंस में एक लॉ चलता है और क्यूबेक की इंडिविजुअल ऑथोरिटी भी है अप टू सर्टेन एक्सटेंट. तो क्यूबेक इमिग्रेशन और पीएनपी को भी हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, उसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे. ओके, तो यहां से बहुत सारी कैटेगरीज है और हमें ज्यादातर फोकस करना है स्किल्ड वर्कर के ऊपर. ओके, फेडरल स्किल्ड वर्कर की जो कैटेगरी है उसके ऊपर फोकस करना है और एक पीएनपी के ऊपर फोकस करना है. ये दो मेजर एरियाज है जहां पे इमिग्रेशन के ज्यादातर पॉसिबिलिटीज आपको मिलेगी. ओके, लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द पीएनपी. पीएनपी मींस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम. तो कनाडा में बहुत सारे जो प्रोविंस एंड स्टेट्स है, वो ईच एंड एवरी प्रोविंस एंड स्टेट्स वो अपने हिसाब से, वो अपने लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट और इकोनॉमिकल नीड्स को वो डेवलप करते हैं और ऑन बेस्ड अपॉन दैट दे आर गिविंग यू नॉमिनेशन देते हैं. पहले एक चीज याद रखिए कि फेडरल गवर्नमेंट अरे हाँ, तो कोई तुम्हें पैक वैक बनाओ ना, एमा तुम्हारे बैथरूम डॉप ड्रॉप लगाना यार, शिट यार. म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो पहले ये याद रखिए कि फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इमिग्रेशन की. मतलब कोई स्टेट्स आपको इमिग्रेशन नहीं दे सकता है, आपको फेडरल गवर्नमेंट ही इमिग्रेशन दे सकती है. ओके, तो फेडरल ही इमिग्रेशन इश्यू करता है, पर स्टेट अपने हिसाब से किसी भी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है तो उसको नॉमिनेट करती है. मतलब उसके कुछ पॉइंट्स उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं और ऑन बेस्ड अपॉन दैट दे आर गेटिंग द इमिग्रेशन. उसमें सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं कि यू हैव टू स्टे और लिव इन दिस पर्टिकुलर प्रोविंस. म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट करके रखिए, म्यूट कीजिए. ओके, तो ये एक पॉइंट है कि पीएनपी मतलब आपको फेडरल का पीआर नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आपको किसी भी स्टेट की पीएनपी भी मिलती है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू भी आप अगर परमानेंट रेसिडेंसी लेते हो तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ कनाडा पीआर. हाँ, वहां पे एक चीज होती है कि व्हेन दे आर ग्रांटिंग ए प्रोविंशियल नॉमिनी
वो सिचुएशन में कंडीशन होती है कि एटलीस्ट यू हैव टू लीव इन दिस पर्टिकुलर एरिया फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. नॉर्मली वो 2 साल की पीरियड होती है, आपको तब तक वहां पे रहना है. वंस दैट पीरियड इज ओवर यू आर फील फ्री टू मूव एनीवेयर इन कनाडा, क्योंकि परमानेंट रेसिडेंस एंड सिटीजंस कंट्री की होती है, कोई स्टेट की नहीं होती है. ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है. ओके दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि पीएनपी अगर मैं वहां पे पढ़ूंगा तो ही मिलेगा. ऐसा नहीं है. किसी भी प्रोविंस नॉमिनी में अलग अलग 5 कैटेगरी होती है. देर आर 5 डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ गेटिंग द प्रोविंशियल नॉमिनेशंस. एक होती है कि इफ यू आर अ स्किल्ड वर्कर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, अगर किसी भी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट वो प्रोविंस में है तो भी आपको पीएनपी मिल सकता है. सेमी स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज या तो वो स्टेट में उसकी रिक्वायरमेंट है तो भी आपको परमानेंट रेसिडेंसी के लिए नॉमिनेशन स्टेट से मिल सकता है. आप अगर वहां पे बिजनेस या तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी मिल सकता है. फोर्थ में अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यू हैव गेट द एंट्री इन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर प्रोग्राम एंड आफ्टर दैट यू हैव लिव्ड इन दैट प्रोविंस और वहां पे ही आप कुछ काम कर रहे हो तो भी आपको पीएनपी मिल सकती है. कुछ फैमिली कनेक्शंस के ग्राउंड पे भी प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल सकता है. तो यहाँ पे हम जो टेक होम मैसेज करते हैं वो ये है कि इफ यू हैव सिलेक्टेड ओंटारियो, टोरंटो या तो ओंटारियो में आपने कुछ भी पढ़ाई की है, आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ जॉब्स इन डिफरेंट प्रोविंस डिफरेंट स्टेट्स और आप वहां पे जा रहे हो और उसके बाद भी आप पीएनपी ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपने अगर वहां पे पढ़ाई नहीं की है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द पीएनपी. ओके तो ये एक क्राइटेरिया भी आप अपने दिमाग में रखिए. और ये कुछ प्रोविंस के नाम है जो कनाडा में, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, ये कुछ स्टेट्स है और कुछ प्रोविंस है. तो हर एक प्रोविंस के अपने खुद की नॉमिनेशन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. ओके तो पीएनपी के बारे में आपको सिर्फ एक ही टेक होम मैसेज लेना है कि डोंट वरी टू मच अबाउट द स्टडिंग इन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस. इफ यू आर गेटिंग योर इंटरेस्टेड प्रोग्राम, अगर वो स्टेट या तो प्रोविंस में मिलता है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद इट. अगर नहीं मिलता है, इफ यू आर स्टडिंग एनीवेयर इन कनाडा, आफ्टर दैट इफ यू आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन कनाडा, वो जो प्रोविंस में आप जॉब करने जाओगे वो अगर आप वहां पे पढ़ाई करने के बाद भी आप ये पीएनपी में जा सकते हो. ओके तो उसके बाद मेन जो मेजर एरिया है, मेजर जो जो अम्ब्रेला है इमिग्रेशन की, वो है एक्सप्रेस एंट्री. पहले हम एक्सप्रेस एंट्री को कुछ बेसिक लेवल से समझने का प्रयास करते हैं. सम ऑफ द इम्प्रूवमेंट, क्यों एक्सप्रेस एंट्री आई पिक्चर में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अलग अलग इंडिविजुअल क्लास और कैटेगरीज में से इमिग्रेशन प्रोसेस चलती थी. तो एक्सप्रेस एंट्री में उसने 2 सेगमेंट बना दिए. सबसे पहला सेगमेंट, एक तो प्रोसेस फास्ट हो जाए, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर पाए. सेकेंड, उसमें ब्रॉडर रेंज ऑफ ऑक्यूपेशन को कवर कर पाए, कैंडिडेट के लिए इजी टू प्रोसेस हो जाए. स्टेट्स या तो जो भी इंटरेस्टेड इमिग्रेशन देने वाली एजेंसीज है उसके लिए भी इजी हो जाए. इसीलिए उसने पहले एक एक्सप्रेस एंट्री की एक जो प्रोफाइल, एक पोर्टल बनाया. वो पोर्टल पे वो प्रोफाइल, आप अपनी खुद की एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो. वो प्रोफाइल के बाद एक सर्टेन सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ पॉइंट्स को उसने अलॉटमेंट दे दिया कि एज, एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे. उसके बेस पर से आप कितने पॉइंट्स अर्न कर रहे हो, तो वहां से एक कट ऑफ, आपने बहुत सुना होगा कि सीआरएस कट ऑफ ये बार 475 पे कट ऑफ हुआ. तो 475 से ऊपर जितने भी लोग थे, जितने भी कैंडिडेट्स के पॉइंट्स 475 से अबव थे, वो सारे कैंडिडेट्स को इनविटेशन टू एप्लीकेशन मिल जाएगा. मतलब वहां से उसके बाद आपको इनविटेशन टू एप्लीकेशन मिलेगा, देन यू आर अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेसिडेंसी. तो 2 स्टेप की प्रोसेस हो गई. एक हो गया आपका एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल के बाद आपका सिलेक्शन होता है, और आफ्टर वो सिलेक्शन के बाद यू आर गेटिंग इन्विटेशन टू एप्लीकेशन और आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट योर इमिग्रेशन. तो यहां से हम 3 चीजों को बाइफर्गेट करने का ट्राई करते हैं. कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस की एप्लीकेशन, आपने सुना होगा 67 पॉइंट्स होने चाहिए
तभी आपको पीआर मिलेगी। तो एक 67 पॉइंट्स वाली सिस्टम, दूसरी सिस्टम हो गई आपकी सीआरएस टूल की सिस्टम जो 475 पॉइंट्स वाली बात कर रहे हैं हम। ओके, तो दो पॉइंट सिस्टम है यहाँ पे, एक सीआरएस टूल और एक है आपकी इमिग्रेशन के जो पॉइंट सिस्टम है, वो दोनों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो लेट्स बी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, सीआरएस टूल क्या है। ओके, सीआरएस टूल अलग अलग पांच फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। सबसे पहला स्किल्स, एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस एंड अदर फैक्टर्स। ये पांच पैरामीटर्स के ऊपर से उसने एक सिस्टम बनाई है, जो सिस्टम में टोटल 600 प्लस 600 ऐसे करके टोटल 1200 पॉइंट्स होते हैं। आउट ऑफ 1200 पॉइंट्स 475 इज कट ऑफ, लास्ट टाइम का 475-76 कट ऑफ था। डे बाय डे ये पॉइंट्स बढ़ेंगे, आपको यही दिमाग में रख के चलना है। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस पॉइंट सिस्टम इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू बी हायर होती जाएगी, क्योंकि अगर आप 2-3 साल की जो हिस्ट्री को चेक करोगे तो पहले 430-435-425 के करीब करीब भी पीआर परमानेंट रेसिडेंसी की इनविटेशंस आती थी, बट नाउ दैट हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स द हायर साइड। तो आज हम जो प्लान करेंगे वो सारी प्लानिंग को ऐसे दिमाग में रख के चलना है कि यू आर गोइंग टू रीच टुवर्ड्स द 500 पॉइंट्स। अगर आप 500 को प्लान करके चलोगे तो आपको 3 साल के बाद परमानेंट रेसिडेंसी की एप्लीकेशन के लिए यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ओके, तो हमारा जो टारगेट है वो कौन कौन से फैक्टर से हम पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं और आज से हम क्यों और कैसे उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, वो आज का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो जो सेकंड लेवल है वो यहाँ पे हम सीआरएस सिस्टम को ब्रीफली पॉइंट आउट करते हैं। सीआरएस सिस्टम में एक है कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स, कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स यहाँ पे 500 पॉइंट्स है। ओके, तो पहले हम कैंडिडेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक मैरिड और एक अनमैरिड। अगर आप अनमैरिड हो, ओके, इफ यू आर अनमैरिड, मैक्सिमम पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो वो है आपके 500 पॉइंट्स पार्ट वन में से। अगर आप मैरिड हो तो आपको दो पॉइंट्स पार्ट वन के ए एंड बी दोनों को कंबाइन करके 500 पॉइंट्स होंगे। उसका मतलब ये है कि आपके कोर ह्यूमन कैपिटल्स में 460 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आपकी स्पाउस जो है वहां पे मैक्सिमम 40 पॉइंट्स मिलेंगे। तो टेक होम मैसेज क्या हुआ यहाँ पे, टेक होम मैसेज ये है कि अगर आप अनमैरिड हो तो रिलेटिवली अच्छा है। दूसरी चीज, अगर आप मैरिड हो और आपकी स्पाउस की प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी स्पाउस की प्रोफाइल वीक है तो आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। समझ में आया? यहाँ पे पहले कोई क्वेश्चन है तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लीजिए। 500 दोनों को मिला के, स्पाउस के और आपके खुद दोनों के मिला के 500 पॉइंट का ये फैक्टर है। ओके, अगर आप अनमैरिड हो तो मैक्सिमम पॉइंट्स ह्यूमन कैपिटल में से आपको 500 मिलेंगे। आउट ऑफ 500 कितने आप अचीव करते हो, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। वो हर एक के अलग अलग क्राइटेरियाज में आप कितना पॉइंट स्कोर करते हो। अगर आप मैरिड हो तो आपके इंडिविजुअली आपके पॉइंट्स 460 हो जाएंगे और 40 पॉइंट्स आपके स्पाउस के मैक्सिमम। तो ये दोनों का क्लब करके फिर आपके टोटल पॉइंट्स 500 में से आप कितना स्कोर करते हो वो आपका पैरामीटर्स बनेगा, वो आपका स्केल बनेगा। ये पहले बेसिक समझ में आया ये पॉइंट्स में। अभी हम कौन से पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी के पॉइंट्स। यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए 475 से अप लाना है, मतलब हम 3 साल के बाद की बात करें तो आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 500 पॉइंट्स। अगर 3 साल के बाद ये सिस्टम परमानेंट रेसिडेंसी की डायरेक्शन में, इफ दैट इज गोइंग हायर साइड टुवर्ड्स 500 पॉइंट्स, इवन दो यू आर एलिजिबल टू गेट द परमानेंट रेसिडेंसी। और हम जो ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं कि जब आप कैनेडा में एंट्री लेते हो वहां से 3 साल में आप पीआर को कैसे ले लोगे, ये उसके लिए हमें आज से कैसे प्रिपरेशन करना है, वो आज का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपका और आपकी स्पाउस के लिए। आप पहले खुद को बाइफर्गेट कर लीजिए, अगर आप मैरिड है और आप सिंगल है, 90% स्टूडेंट सिंगल होंगे तो उसके मैक्सिमम पॉइंट्स खुद के 500 होंगे। तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए वो 40 पॉइंट्स वाली बातों को अभी कंफ्यूजन में मत लीजिए।
इसमें कोई क्वेश्चन डाउट्स? अब वर्बली पूछिए क्वेश्चंस। सर जैसे आपने बताया सीआरएस का कट ऑफ 475 और 476 था, तो सर डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए डिफरेंट कट ऑफ होता है? नहीं नहीं नहीं, वो सेम ही कट ऑफ होता है, वो हम अदर पॉइंट सिस्टम जो है वहां पे आएंगे। स्पाउस और ह्यूमन कैपिटल में कोई डाउट है? नो सर। ओके ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट ही हैज रिक्वेस्टेड, ही और शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड शी हैज डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड इन हिंदी। I will try my best to cover it in English, but some of the points that I think the maximum number of students are very much interested to get the better understanding, I can cover it in Hindi as well. Okay, let's we move to the part two. Part two is very, 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 very important points, because core human capital is considered as a, most of the points are fixed, but ये जो है दिस अ पार्ट टू इज स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स, दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेजेस यू हैव कंपेयर्ड टू योर काउंटर पार्ट्स एंड दे आर गिविंग यू सर्टेन काइंड ऑफ बोनस पॉइंट्स, इज कॉल्ड द स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स। ओके, इन दिस सेक्शन मैक्सिमम यू आर गोइंग टू गेट द 100 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। यहाँ पे दो ही चीजें हैं, द वन थिंग इज एजुकेशन एंड सेकेंड इज द एक्सपीरियंस। ओके, पर this is a very tricky and very important points you have to play around, okay, and you have to target to get the maximum out of this 100. ye hamara main goal rahega, ye hamara main target rahega, okay, and the third one is additional points. Additional points are the 600 points. Out of 600, how many points you are covering, this is the bonus or additional points. When you are calculating all these, total is 1200. 500 plus 100 plus 600 is 1200 points. Okay, Srey, now jump to your question. When you are getting any provincial nomination, for example, if you are getting a provincial nomination for any of the states, straight away you are getting a 600 points towards your PNP. Okay, so yahan pe aate hain, pehle hum additional points ke kuch parameters ko dekh lete hain. What are the additional points? Additional points, if your brother or sister is living in Canada who is a permanent resident or citizen, you are getting additional 15 points. Second, if you have given second official language of Canada or usme aapko agar maximum points score karte ho, to you are getting a 15 points. Post secondary education, if you are studying from Canada, that is 2 years program, you will get 15 points. 12th wale students ke liye, those who have done 12th and after 12th, if you are going to Canada, this is very, 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 very important points. If you have selected 2 years of your course, you are getting a 15 additional points other than the Canadian education points. Okay, but if you are selecting a 3 years or 4 years program, you are likely to get 30 points instead of 15. Your advantage. Ek saal jyada padhoge, aapko 15 points badh jayenge. Isiliye, ideally, 12th wale students ko, ideally they have to select the technology programs jo 3 saal ke hote hain. Or they have to select the graduation programs jo 4 saal ke hote hain. For getting a permanent residency, this is a more advantageous. The second part hota hai, that is arranged employment. Okay, when we are talking about arranged employment, there are two different factors. One is a 00 and arranged employment of NOC. What is NOC? NOC, that is the full form of National Occupation Category. There are occupations have been divided into certain parts. 00, 0, A, B, C, ऐसे करके उसको क्लासिफाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग इन ए वेरी हाई पोजिशन, दैट इज कंसिडर एज ए 00। वेन नेशनल ऑक्यूपेशन ओ मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग एज ए डॉक्टर, दैट इज कंसिडर एज ए NOCO. वेन यू आर वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट, दैट इज NOCA. वेन यू आर वर्किंग एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन, दैट इज ए नेशनल ऑक्यूपेशन कैटेगरी B. तो आपको समझ में आ गया, लेवल ऑफ प्रोफेशंस आर क्लासिफाइड।
यहाँ से आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो टू गूगल, टाइप कैनेडियन एनओसी, हर एक प्रोफेशन के एक नंबर्स होती है, 4141 ऐसे करके, फार्मासिस्ट का एक प्रोफेशनल नंबर होता है, फार्मेसी टेक्नीशियन का एक यूनिक नंबर होता है, व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दैट नंबर आपको वो एनओसी की प्रोफाइल मिल जाएगी पूरी, एंड दैट प्रोफाइल व्हाट काइंड ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर वो भी क्लियरली लिखा होता है. तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर जॉब ऑफर लेटर्स इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेक दिस एज ए रेफरेंस. एंड यहाँ पे जो एनओसी में जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है, दैट काइंड ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू मस्ट हैव टू मेंशन इन योर ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर, ऐसे करना है. इज इट क्लियर? एनओसी क्या है, हैव यू क्लियर अबाउट इट? ओके सहर्ष, आपका जो क्वेश्चन है, इफ यू आर सिलेक्टिंग ए टू पीजी प्रोग्राम्स, वो भी आएगा डिटेल्स में, हम उसको हैंड होल्डिंग करके उसको पढ़ाई करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. ओके ओके निर्मल, 3131 फॉर फार्मासिस्ट, गुड. मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि एक फार्मासिस्ट का जो ऐसे करके एनओसी की कैटेगरीज को आप देखते रहोगे. निर्मल ने 3131 करके बताया, तो आपको यहाँ से आज एक होमवर्क करना है. यू हैव टू गो टू एनओसी वेबसाइट. एनओसी वेबसाइट विल गिव यू व्हाट इज द नंबर ऑफ योर प्रोफेशन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन मेंशन इन दैट पर्टिकुलर एज ए फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, तो उसको देखना है. इफ यू आर गेटिंग अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डन योर फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम्स, on based upon that someone is ready to hire you as a pharmacist, aapke paas job offer hai, arranged employment ki jo certain criteria hai that has been fulfilled, you will get the bonus extra, additional extra points of 50 aapko mil sakte yahan pe. Okay, the last point is if you are getting a nominations from province, you will get the extra 600 points. That's why aapne bahut suna hoga ki bahut sare province hai. अगर आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशंस मिल जाती है, इफ यू आर गेटिंग ए प्रोविंशियल नॉमिनेशंस, आपकी पीआर बहुत इजी हो जाएगी और यू आर गोइंग टू गेट द परमानेंट रेसिडेंसी. ओके, तो ये थे कुछ एडिशनल पॉइंट्स. हम क्या करेंगे, हम आपके सामने ही कुछ फैक्टर्स को चेंज करके उसको प्ले करने की ट्राई करेंगे, ताकि यू कैन गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू यूज इट. ओके, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी एजेंसीज, दे आर चार्जिंग 25,000, 30,000, 50,000 for creating your profiles. That is a very simple, very easy. आपको अगर थोड़ा सा knowledge होगा, तो you are going to create it by your own. And how you are going to start collecting all the documents that need to be support towards the points that you are claiming. तो ये सारी चीजें बहुत easy हो जाएगी, आप confident feel करोगे, आप खुद की process खुद कर सकते हो. ये आज का जो हमारा objective है, उसमें एक point ये भी है. दूसरी जो सबसे important points है, वो ये है कि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीएलबी लेवल के बारे में कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं. तो आप इसको देखिए, ये कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क की बात कर रहे हैं. कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, तो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क सीएलबी ने कुछ पॉइंट्स लेवल्स बताए हैं. ओके, लेवल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, तो उसमें कुछ रेंज दी है कि इफ योर IELTS स्कोर, क्योंकि IELTS इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज टेस्टिंग एग्जामिनेशंस गिवन बाय द इंडियन स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने कंपैरिजन की टेबल्स में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो इसके लिए ये रखा है. सीएलबी लेवल 9, सीएलबी लेवल 10. ओके, तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स यू आर स्कोरिंग एट द सीएलबी लेवल 9. जो आप 8777, आपने बहुत सुना होगा कि अगर इफ यू आर गोइंग टू गेट IELTS में 8777 अगर आपको मिल जाते हैं, 8 कहाँ पे, लिसनिंग में 8, और बाकी तीन मॉड्यूल्स में अगर आप 7 लेते हो, तो यू आर फॉल अंडर द सीएलबी लेवल 9. ओके, तो यहां से आपको पीआर की टूवर्ड्स में पॉइंट्स मैक्सिमम मिल सकते हैं, और इसके बहुत सारा ज्यादा एडवांटेजेस है. इसीलिए आपका जो टारगेट है, मेन जो टारगेट है, वो एटलीस्ट यू हैव टू गेट इनटू सीएलबी लेवल 9. अगर आप सीएलबी लेवल 9 से नीचे जाओगे, तो वहां पे आपके जो पीआर में
जो सीआरएस पॉइंट सिस्टम है उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स कम होने के चांसेस रहेंगे, और कौन कौन से फैक्टर्स में कैसे पॉइंट्स में चेंज होता है वो हम एक एक फैक्टर्स को थोड़ा बहुत चेंज कर करके उसको एनालाइज करते जाएंगे और डिस्कशन करते जाएंगे। उससे पहले हम ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते। तो सीएलबी समझ में आ गया आपको? सीएलबी क्या है? कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क में आपको एक लेवल की अगेंस्ट में IELTS के आपका क्या स्कोर आता है और आप सीएलबी में कहां पे फॉल होते हो वो पॉइंट्स आपको पता होना जरूरी है। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे एक जो पॉइंट्स के कैलकुलेटर से उसको थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रमली देखते हैं। ओके, शेयर स्क्रीन। ओके, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने? यस सर। ओके, ये कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम क्राइटेरिया एक्सप्रेस एंट्री वो दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये कैनेडियन, पहले तो आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू बी वेरीफाइड। ये किसकी वेबसाइट है? ये IRCC। हाँ, कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मतलब ऑफिशियली यू हैव टू फॉलो जो इंफॉर्मेशन है दैट इज द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो बात की थी वो कोर ह्यूमन कैपिटल्स जो ए पॉइंट्स है वहां पे आपके जो मैक्सिमम पॉइंट्स कैसे काउंट होते हैं। ओके, दो पार्ट में है, इफ यू आर मैरिड और इफ यू आर अनमैरिड। तो विदाउट स्पाउस वाले जो पॉइंट्स है उसको आप यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 500 पॉइंट्स और ये होगा आपका 460 पॉइंट्स, और इसमें आप वाइफ को जोड़ दोगे तो ये 40 पॉइंट्स हो जाएंगे। ये दोनों को क्लब करोगे तो कितना होगा? 500 पॉइंट्स। ओके, तो एज, लेवल ऑफ एजुकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। तो ये यहाँ पे आपको जो फिक्स पैरामीटर्स है वो कौन से हैं? एज आपकी फिक्स है, आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन फिक्स है, पर इसको हम थोड़ा सा डायनेमिक पॉइंट में रखेंगे और डायनेमिक में आप कैसे उसके साइड में प्ले कर सकते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्किल ट्रांसफरेबिलिटी में एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। तो पहले एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस तो आप बाद में समझ लोगे, पर सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी की लाइसेंसिंग एग्जाम या तो फार्मेसी टेक्नीशियन की लाइसेंसिंग एग्जाम अगर आपने कंप्लीट कर ली और उसके बाद PEBC आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन देती है, वो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन इज वैल्यूएबल ऑफ 50 पॉइंट्स। आप अगर आपकी प्रोफेशन कोई लाइसेंस बेस्ड प्रोफेशन है, आफ्टर पासिंग सर्टेन काइंड ऑफ नेशनल लेवल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन यू आर अवॉर्डेड विद द लाइसेंस, ये प्रोफेशंस में आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ओके, दूसरी चीज, अब आते हैं ऊपर के पॉइंट में। यहाँ पे मुझे आपको एक ही बात समझानी है कि आप टारगेट रखिए कि आप IELTS में 8.77 लेके आते हो। अगर आपको लिसनिंग में 8 बैंड है और बाकी 3 मॉड्यूल्स में 7 बैंड है तो आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं? ओके, यहाँ पे देखिए, एजुकेशन का जो सेगमेंट है वहां पे दो फैक्टर को क्लब करके ट्रांसफरेबिलिटी स्किल्स बनाई है, मतलब आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब अगर आपको 8.77 है और आपने पोस्ट सेकेंडरी डिग्री कनाडा में से आपने पढ़ाई की है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा, अगर आपको कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस है और आपने कनाडा में ही एजुकेशन की है, ये दोनों चीजें अगर मैनेज होती है तभी आपको दूसरे पॉइंट्स मिलते हैं। सेकेंड चीज, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है। आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो ये है
कि प्लीज ये कोरोना के टाइम में आप अगर इंडिया में हो, फ्री हो, तो एक साल की वर्क एक्सपीरियंस कर लीजिए, क्योंकि दिस वन ईयर एक्सपीरियंस आपकी पॉइंट्स को एड ऑन करेगी। जैसे आपके पास इंडिया का एक साल का एक्सपीरियंस है, देखिए यहाँ पे आपकी इंग्लिश में 8777 है और उसके साथ में आपके पास फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। अगर मान लो कि आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस ही नहीं है और आपको 8777 बैंड्स भी है, तो आपको आप यहां से मिस कर जाओगे, ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाओगे आपके पॉइंट्स को। इसीलिए इंडिया में एक साल का एक्सपीरियंस करना बहुत 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 जरूरी है। ओके, अब उसके लिए दो पॉइंट्स। एक पॉइंट ये है कि ओके, निर्मल का क्वेश्चन है, इज वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे नॉक एनओसी कैटेगरी 0A B, ये तीन कैटेगरी में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इफ यू आर स्टडिंग इन ए फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ योर फार्मेसी और इंजीनियरिंग, आप अगर मान लो कि एज ए टेक्नीशियन काम करते हो, ओके, एंड यू हैव ए पार्ट टाइम ऑफ टेक्नीशियन एक्सपीरियंस, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 2 साल का पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है आपके पास, दैट इज कंसिडर एज ए 1 ईयर ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस। तो समझ में आया आपको, फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ फार्मेसी में आप पढ़ते हो, एंड इफ यू आर वर्किंग इन फार्मेसी, आप अगर 25 आवर्स वीक में काम करते हो और आपका टाइटल है फार्मेसी टेक्नीशियन, क्योंकि इंडिया में फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए ऑफिशियली कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, पर आप ऑन बेस्ड अपॉन 2 ईयर्स ऑफ योर फार्मेसी एजुकेशन यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन। 2 साल का एक्सपीरियंस है अगर टेक्नीशियन का, तो आप उसको 1 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस को काउंट करवा के उसके पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। इसीलिए दिस इज अ गोल्डन मैसेज फॉर दोज हु आर स्टडिंग इन फार्मेसी, दे हैव टू गेट द फार्मेसी टेक्नीशियन एक्सपीरियंस। सेकेंड, दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर स्टडीज, प्लीज आप काम करना चालू कीजिए और वर्क एक्सपीरियंस लीजिए इंडिया में, दैट द 1 ईयर एक्सपीरियंस कैन सिग्निफिकेंटली चेंज योर गेम टूवर्ड्स परमानेंट रेसिडेंसी। ओके, दूसरी चीज, yes, it's same as PharmD students. Don't worry about PharmD. Also, you can consider, but don't consider your internship as a work experience, because internship is a part of your academic curriculum. That is not considered towards your work experience. Okay. So, आपको अलग experience होना चाहिए. That is a professional experience. You have get something for that. मतलब remuneration also be awarded during that time. तो ये तो आपका एकेडमिक पार्ट है, वहां पे आप फार्मासिस्ट नहीं बोल सकते हो, दैट्स अ ट्रेनिंग फार्मेसी। इसीलिए फार्मडी वाला जो इंटर्नशिप है उसको डोंट कंसीडर इन दिस पार्ट। उससे अच्छा है कि अगर आप रिटेल फार्मेसी या तो हॉस्पिटल में एज ए टेक्नीशियन काम करते हो, दैट इज काउंटिंग टूवर्ड्स वर्क एक्सपीरियंस। ये एक पॉइंट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इज इम्पोर्टेंट। अब मान लीजिए कि इफ यू हैव ए कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर, बट यू डोंट हैव ए वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन योर होम कंट्री, इंडिया में नहीं है, तो भी आप यहाँ पे मिस कर जाओगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को। वन ईयर से कम एक्सपीरियंस इज नॉट काउंट, 1 ईयर से वन, वो हम जब बात करेंगे ना लेस देन 1 ईयर, वहां पे आपको पता चलेगा। इसीलिए 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आप बहुत स्मार्ट हो समझ जाओगे। ओके, तो 12 मंथ्स के वर्क एक्सपीरियंस जो इंडिया का है वो आपकी लाइफ में ये जो ट्रांसफरेबिलिटी स्किल्स है वहां पे ह्यूज डिफरेंस कर पाएगा, ह्यूज। समझ लो कि आप बहुत पोटेंशियल और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, अगर आप 1 ईयर का कनाडा में एक्सपीरियंस हो कर लोगे, तो वो सिचुएशंस में आपका अगर इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो देट कैन चेंज द एंटायर गेम। ओके, अदर देन फार्मेसी दूसरा एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू योर फील्ड व्हेन यू आर अप्लाइंग, दैट शुड बी रिलेवेंट टू समथिंग। लाइक आपने अगर फार्मा इंडस्ट्री का है, फार्मा कंपनी का है, आप अगर दूसरी चीजों में है, तो आप आपकी जो प्रोफाइल है उसकी रिलेवेंसी में कुछ एक्सपीरियंस है तो देट कैन गिव यू ए पॉजिटिविटी। 1 ईयर 4 मंथ्स एक्सपीरियंस इज असिस्टेंट प्रोफेसर, वो काउंटिंग हो सकता है। ओके, पर हम आज स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, आपको एक एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव में दे रहा हूं
कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम इंडिविजुअलाइज अगर बहुत डिस्कशन करेंगे तो थोड़े से डीरेल हो जाएंगे. इसीलिए जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, प्लीज आप रिटेल फार्मेसी या तो हॉस्पिटल या तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कीजिए. पता नहीं है जनवरी में यू आर गोइंग टू ट्रैवल और नॉट. इफ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल, एटलीस्ट आप थोड़ा सा मैनेज करके 12 मंथ्स एक्सपीरियंस को अचीव करने का प्रयास कीजिए. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके. और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब यहां से आपको पता चलेगा कि इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए फार्मासिस्ट, पीबीसी आपके लिए गेम चेंजर है. पीबीसी तीन जगह से गेम चेंजर है. सबसे पहली गेम चेंजर है कि यू आर गेटिंग ए क्वालिफिकेशन. सेकेंड इज यू आर मोर लाइकली टू गेट ए 1 year एक्सपीरियंस इन कैनेडा. थर्ड इज यू आर गोइंग टू गेट द अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट. इसीलिए अगर आपने पीबीसी कर ली तो ऑलमोस्ट 100% कंफर्म हो जाते हो कि यू आर गोइंग टू गेट द पीआर, क्योंकि 569 पॉइंट्स तक आप इजीली पहुंच सकते हो. 569 पॉइंट्स तक, 559 पॉइंट्स तक. ओके. अगर एक साल का इंडिया का एक्सपीरियंस है, एक साल का वहां का है और आपके पास जॉब ऑफर है तो गुड. एडिशनल फैक्टर्स के बारे में हमने कुछ डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है. ओके. तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अभी हम पॉइंट्स के बैकग्राउंड में जाते हैं. ये ब्रेकडाउन सेक्शन बाय सेक्शन आपको थोड़ी सी क्लियरिटी देंगे और मुझे जो एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करने हैं वो भी कवर हो जाएंगे. ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. पहले हम बात कर रहे हैं 500 पॉइंट्स के कोर ह्यूमन कैपिटल के बारे में. जो कोर ह्यूमन कैपिटल मीन्स, सरकार ये सोचती है, गवर्नमेंट इज थिंकिंग व्हेन वी आर ऑफरिंग अ परमानेंट रेसिडेंसी द कैंडिडेट इज very important for the contribution of the development, economical development of the country and social development of the country. ये दो चीजों के ऊपर उसने बहुत ही emphasize करके कुछ tools बनाए जहां से वो आपको judge करेंगे. Okay. तो ज्यादातर students, around about जो 90% of the students, those who are attending the sessions, they are comes under this category, 20 to 29 की category में होंगे. Okay. If you are not married और आप यहाँ पे fall करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 110. दैट इज क्लियर. 110 पॉइंट्स मिलेंगे. अगर आप 29 के बाद जैसे जाते हो तो आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे. वो 20th अक्टूबर के बाद वो खुल रहा है, वो बाद में, वो सेकंड पॉइंट्स है, वो अभी के लिए हम डिस्कशन में नहीं रखते. अभी जिसके पास जो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स है बहुत सारे कोर्सेज में, अगर कॉलेज से लेटर आता है नहीं आता है तो बहुत सारे पॉइंट्स है, वो बाद में बात करेंगे. उसके लिए हम अलग सेशन रखेंगे कि इमिग्रेशन यहाँ से जाने के लिए. ओके. ब्रज, आपका जो पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस, मतलब कैसे, इफ योर फादर हैज ए मेडिकल शॉप तो चलेगा, क्योंकि मेडिकल शॉप है तो वहां से आप ले सकते हो. यस, आपको ऑफिशियल सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपॉइंटमेंट्स लेटर और ये सारी चीजें भी चाहिए. आपके अकाउंट में अगर सैलरी डिपॉजिट होती है तो देट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और आपके आई टी रिटर्न भी अगर फिल करते हो, क्योंकि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाइए ताकि हाई कमीशन और इमिग्रेशन ऑफिसर्स को वो ट्रस्टवर्दी लगे. और कभी भी वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो दे कैन उसको वो जज कर पाए, इवेल्युएट कर पाए, उसको वैलिडेट कर पाए. तो चलो अभी हम वहां पे नहीं रुकते, आगे बढ़ते जाते ताकि हम आप खुद भी उसमें कुछ प्ले कर पाओगे कि कैसे उसको कैलकुलेट करना. तो पहला पॉइंट है वो एज है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स आर फॉल्स अंडर 110 पॉइंट्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स के कैलकुलेशन हो जाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिए अच्छे से. लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है इंडिया से. आप यहाँ पे देखिए, बैचलर डिग्री तीन जगहों पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है. एक तो आपने इंडिया से बैचलर ऑफ फार्मेसी कर दी है तो आप 120 पॉइंट्स में आ गए. अब दूसरी चीज, टू और मोर सर्टिफिकेट्स, मतलब आपने इंडिया से बैचलर ऑफ फार्मेसी की है और कनाडा से आपने कोई भी प्रोग्राम की पढ़ाई की है. ओके. मिनिमम 30-35 है, पर आप 40 पकड़ के चलिए. जो वर्क एक्सपीरियंस इन फार्मेसी पर वीक का है वो 40 आवर्स पकड़ के चलिए तो दैट इज मेकिंग सेंस.
हाई कमीशन की वेबसाइट पे कहीं ना कहीं 30 आवर्स लिखा है, पर आप 40 आवर्स होंगे तो वो अच्छा रहेगा। ओके, अभी एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं वहां पे कोई और प्रोग्राम पढ़ता हूं जो पोस्ट सेकेंडरी लेवल का हो तो वो पॉइंट्स भी यहां पे काउंट होंगे। तो आप दूसरे पॉइंट्स में आते हो, टू और मोर सर्टिफिकेट्स, इंडिया से आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी की है और कनाडा में आपने कोई एक कोर्स किया है, तो आप 128 पॉइंट्स पे आते हो। अब बात करते हैं तीसरी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री में नीचे फार्मेसी लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको, प्रोफेशनल डिग्री नीड टू प्रैक्टिस इन ए लाइसेंस्ड प्रोफेशन फार्मेसी, तो कितने पॉइंट्स मिलते हैं आपको, 135 पॉइंट्स। अब इसके मतलब क्या होती है उसको समझिए, जैसे ECA होता है, मतलब आपकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट ECA, ECA रिपोर्ट। अब पहले ये सोचिए कि यू हैव डन योर बैचलर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम इंडिया, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू कैनेडा, यू आर गोइंग टू स्टडी एनी ऑफ द प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल केमिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या तो फार्मा फूड या तो एनी ऑफ द प्रोग्राम यू हैव टेकन इन कैनेडा, तो कैनेडा की क्वालिफिकेशन तो वहां से वो वैलिडेट हो गई। अब आपने जो इंडिया से जो क्वालिफिकेशन की थी, दैट क्वालिफिकेशन नीड टू बी एसेस्ड, और वो एसेस आप दो अलग अलग एजेंसीज के पास से करवा सकते हो। मैं बात कर रहा हूं फार्मेसी की। ओके, तो एक आपने सुना होगा वेश, ओके, वेश जो ओवरसीज क्वालिफिकेशन को एसेस करता है। अगर आप वेश की रिपोर्ट निकाल के आप PR के लिए अप्लाई करते हो तो यू आर लाइकली टू गेट इन टू 128 पॉइंट्स। आपकी सिर्फ वेश के ऊपर 120 पॉइंट्स मिलेंगे, 120 पॉइंट्स। अगर आपने PVC से ECA निकाल दिया तो आप 135 पॉइंट्स मिलेगा। इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन किससे करवानी है, फार्मेसी के स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट PVC से करवाना है। PVC से करवाने से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। जो इंडिया से PR की फाइल करने वाले स्टूडेंट्स है उसके लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट असेसमेंट जो प्रोसीजर है वो वेज से नहीं करनी है, PVC से करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट में हम क्वेश्चंस लेंगे, आप जो भी क्वेश्चंस पूछे हो उसको हम लास्ट में कवर करेंगे, पहले हम इस फ्लो को एक बार कवर कर लें। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आप ओवरसीज एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कहां से करवाएंगे, अगर फार्मेसी वाला स्टूडेंट्स है तो वो PVC से करवाएगा। अब PVC से आप ECA भी ले सकते हो और आपकी एग्जाम की इवैल्यूएशन भी कर सकते हो। ECA के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, खाली एक रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है। That means that when you are applying for your document evaluation from the PEBC, तो उस situation में वो आपको ECA report भी दे सकती है। ECA report कैसा दिखता है और आपका educational qualification certificate कैसा दिखता है, everything has been covered in आपकी जो portal है उसमें, introductory video में मैंने सब कुछ डाल के रखा है, उसके सारे samples डाल के रखे हैं, तो आप वहां जाके भी उसको देख सकते हो। Okay, तो ये पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए कहां से क्या डिफरेंस पड़ेगा। अगर आपने PhD की है तो आपको 150 पॉइंट्स मिलेंगे, उसका मतलब अगर आपने PVC से इवेल्यूएट करवा ली तो मास्टर्स और वो दोनों में कोई ज्यादा अंतर रहेगा नहीं, वो आप 135 पॉइंट्स तक क्लेम कर सकते हो। गुड, अब ये पॉइंट्स को देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, कनाडा में दो लैंग्वेजेस है ऑफिशियल लैंग्वेज में, एक आप इंग्लिश और फ्रेंच। अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज को आप फर्स्ट लैंग्वेज लेके चलते हो, मतलब आप IELTS इंग्लिश आपके लिए ऑफिशियली फर्स्ट लैंग्वेज पकड़ के चलोगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्रेंच भी सीख लीजिए, क्योंकि फ्रेंच के भी आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे दोनों तरफ, आपकी जो PR के पॉइंट्स की कैलकुलेशन CRS में भी मिलेंगे और आपके इमिग्रेशन में भी मिल सकते हैं। ओके, अब आप यहां पे आइए, CLB स्कोर अगर मानो कि आपका 9 है, 9 CLB स्कोर, तो क्या हुआ, CLB स्कोर 9 है तो आपको 8777, तो 31 मल्टीप्लाई, ये
एक फैक्टर के पॉइंट है, मतलब एक जो आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारे जो एलिमेंट्स है उसमें एक एलिमेंट्स के पॉइंट्स है. 136 पॉइंट्स मिलना मतलब इफ यू हैव स्कोर्ड योर सीएलबी 10 और मोर, तो आप 34 रीडिंग के, राइटिंग के, वो चारों के 34 पॉइंट्स करके आप 136 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हो. ओके, तो ये एक मैक्सिमम है. अगर आप 8777 पे पहुंचते हो तो आपको 31 × 4 इतने पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे. ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज को हम अभी कंसिडरेशन में अगर मान लो कि नहीं लेके चलते हैं, इन दैट सिचुएशन आप फ्रेंच नहीं लिखे हो तो उसके पॉइंट्स के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस पटेल प्रिंस जी, आपको कोई क्वेश्चन है? लगता है गलती से दब गया. ओके, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर हम मैक्सिमम, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर स्टूडेंट वीजा विद इन 3 ईयर्स यू हैव टू गेट योर परमानेंट रेसिडेंसी. दैट मीन्स 2 ईयर्स आप स्टडी करोगे और 1 साल की वर्क करोगे. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम स्टडीज दैट इज कंसिडरिंग 2 डिफरेंट पार्ट्स. इफ यू आर बैक टू बैक स्टडी करते हो तो 4 टर्म्स आपकी 16 मंथ्स में खत्म हो जाती है. अगर आप बीच में 4 मंथ्स की वेकेशन आती है देन योर 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम स्टडी विल कम्प्लीट इन 20 मंथ्स. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट टारगेट ऑफ 3 ईयर्स में आपको PR मिलनी है तो 12 × 3 मीन्स 36 मंथ्स में आपको PR के लिए एलिजिबल होकर रेडी हो जाना है. दैट मीन्स 20 मंथ्स ऑफ एजुकेशन, 4 मंथ्स ऑफ गेटिंग ए वर्क परमिट एंड 1 ईयर ऑफ गेटिंग द एक्सपीरियंस. ये सारी चीजें मिला के ऑप्टिममली यू आर एलिजिबल टू गेट योर परमानेंट रेसिडेंसी विद इन 3 ईयर्स टाइम. ओके, सो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस जितना आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे. दूसरा, स्पाउस के बारे में हम जो 40 पॉइंट्स का जो क्राइटेरिया है वो यहां से है. अगर आपके 460 में से आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं इफ योर स्पाउस, क्योंकि हाई कमीशन या तो कंट्री, किसी भी देश ऐसे सोचता है कि व्हेन द पर्सन इज कमिंग इनटू कंट्री अलोंग विद द स्पाउस द व्हाट लेवल ऑफ स्पाउस ही और सी इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो वहां से कुछ स्पाउस के पॉइंट्स रखे हैं. अगर आपकी स्पाउस की क्राइटेरिया सारे अच्छे हैं तो यू विल गेट एडिशनल पॉइंट्स, अदरवाइज यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, उससे आपको कुछ नेगेटिविटी मिल सकती है. अगर आपकी स्पाउस ने मास्टर्स की है तो 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी इंग्लिश अच्छी है तो उसके पॉइंट्स भी मिल सकते हैं. ओके, तो ये स्पाउस के क्राइटेरियाज थे. स्पाउस के मैक्सिमम 40 पॉइंट्स मिलेंगे पर आपके 40 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, तो आपके 460 में से काउंट होगा और उसके 40 एड करके 500 में से काउंट होगा. अब इसको देखिए स्किल ट्रांसफरेबिलिटी में. स्किल ट्रांसफरेबिलिटी में अगर आप वहां पे एजुकेशन के जो पॉइंट्स क्लेम कर रहे हो उसमें अगर आपने कनाडा में एजुकेशन किया और आपके सीएलबी 9 है तभी यह बेनिफिट मिलेगा. सीएलबी 7 या तो 9, ओके 7 से अप होना चाहिए. अगर आपकी IELTS अच्छी नहीं है तो आपको एडिशनल पॉइंट्स कनाडा के एजुकेशन के और वो सारे उतने नहीं मिल पाएंगे. इसीलिए पहला फैक्टर है इंग्लिश, दूसरा फैक्टर है इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस. ये 2 पैरामीटर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. आज की पूरी टॉक का जो कंक्लूजन निकलेगा वो यही निकलेगा कि डाउन द लाइन 2 साल में यू हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश टू स्कोर 8777 एंड एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव टू स्कोर इन कनाडा. ओके, तभी जाके आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे. तो ये जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स भी हम वो टूल में डाल के भी देखेंगे तो ताकि आपको ज्यादा समझ आएगा. उसको बदलते जाएंगे और फिर क्या चेंज होता है उसको देखते जाएंगे. फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस की भी बात हो चुकी है. फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के साथ इंग्लिश, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के साथ कनाडा का एक्सपीरियंस, ये एक कॉम्बिनेशन फैक्टर है. तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स कॉम्बिनेशन में आते हैं. एक होता है आपकी एजुकेशन के साथ में 2 पॉइंट्स और आपकी एक्सपीरियंस के साथ में 2 पॉइंट्स. उसमें इंग्लिश और कनाडा का एक्सपीरियंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एडिशनल पॉइंट्स के बारे में भी हमने बात की है.
अगर यहां से हम दो ही चीज को पकड़ के चलते हैं कि आपको स्टेट स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, डोंट वरी टू मच अबाउट स्टेट स्पॉन्सरशिप, अगर नहीं मिलती है तो भी आपको पीआर मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग करके चलोगे। तो मान लो कि अगर आपने अरेंज एम्प्लॉयमेंट कर दी तो 50 पॉइंट्स आपको वो मिल जाएंगे, आपने कनाडा से एजुकेशन की 2 साल की तो 15 पॉइंट्स वो मिल जाएंगे, ओके। और उसके बाद अगर आप वहां पे सेकेंड लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर लिए फ्रेंच के ऊपर या तो उसमें आपने कुछ पॉइंट्स तो वो भी मिल सकते हैं। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो रियल ब्रदर्स सिस्टर्स परमानेंट रेसिडेंट है तो उसको भी एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। यहां से आपका मेजर जो एरिया है वो टारगेट है कि एटलीस्ट आपको 475 से ऊपर उठना है और उसके लिए आज से ही मेहनत करना है। जैसे आपने सुना होगा कि एंड इन माइंड, अगर आप कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके माइंड में एक ही एंड है कि 3 साल में मुझे पीआर लेनी है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, नाउ लेट्स वी मूव टू द डिफरेंट पार्ट और थोड़े से कुछ कैलकुलेशंस करते जाते हैं, वापस यहां पे आते हैं एक मिनट, ओके। तो ऐसा आपका एक, जैसे हम कुछ प्लान करेंगे रिपोर्ट्स करेंगे तो समझ आएगी कि कैसे कैलकुलेटर्स कैसे काम करता है। मैं आज आपको सिर्फ आपके सामने ही कैलकुलेटर में हम कुछ प्ले करेंगे, कुछ फैक्टर्स को ऐड करते जाएंगे और क्या मोमेंटम होती है उसको देखते जाएंगे। इतने पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट IELTS इंग्लिश 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 इंग्लिश, ओके। आप 8 इन लिसनिंग और 3 मॉड्यूल्स में 7 जनरल में आपको ये इंग्लिश लेवल अचीव करना है। उसका मतलब यह है कि आज से ही आपको डिटेच नहीं होना है, कंटिन्यूअसली यू हैव टू शार्पन योर लैंग्वेज स्किल्स कंटिन्यूअसली, क्योंकि रिसेंटली यू हैव गिवन द IELTS सो यू आर फैमिलियर विद इट, बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट नीड टू प्रिपेयर विद द IELTS पर्सपेक्टिव, बट योर जनरल इंग्लिश इंप्रूवमेंट शुड बी योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और कब लिख देनी है IELTS, मेक श्योर IELTS वैलिडिटी इज 2 years। सो जैसे ही आपकी वर्क परमिट स्टार्ट होती है उस टाइम पे आपको इंग्लिश लिख देना चाहिए, ताकि हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर स्टार्ट कलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स वेल इन एडवांस, तो जब भी आप पीआर के लिए रेडी होंगे तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रेडी विथ यू। जैसे आप PEBC के लिए डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन करते हो तो ECA रिपोर्ट मंगवा लीजिए, दैट इज वैलिड फॉर 5 years, तो आपको वो भी काम आ जाएगा, तो एक डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। If you don't have a birth certificate, make sure you have to collect the birth certificate, क्योंकि एज के लिए आपको birth certificate is very very important. अगर आप married हो तो spouse के लिए marriage certificate is very important. Other than marriage certificate also you have to collect certain evidence of your marriage. आपकी credential हो गई आपके English के लिए तो IELTS enough है। आप work experience की अगर हम बात करें तो India में से अगर आपका work experience है तो वर्क एक्सपीरियंस नीड टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द नीड ऑफ NOC, ओके। नेशनल ऑक्यूपेशन कैटेगरी के हिसाब से वर्क एक्सपीरियंस बनाइए, उसके ऑल सपोर्टिव एविडेंस को कलेक्ट कीजिए, ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर सैलरी स्लिप IT रिटर्न्स अकाउंट जो आपका सैलरी अकाउंट है उसमें पेमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑफिशियली आप कलेक्ट करके जाइए, ताकि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेसिडेंसी ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स कैन हेल्प यू आउट। And nobody is going to run, आप जब कैनेडा में होंगे तो आपके साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओके। उसके बाद आपकी कैनेडा से जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो तो यही फॉर्मेट से मिलना है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, ओके। तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन और क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप उसको कलेक्ट करके रखोगे तो आपकी जब एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना है उस टाइम पे सारी चीजें रेडी होगी आपके पास। गुड, चलो अभी हम कुछ सिनेरियोज के बारे में बात करते हैं और इसके लिए मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूं आपको। ओके, अभी ये स्क्रीन आपके सामने दिख रही है? हेलो, यस सर, यस सर। एक सेकंड, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आपको इसके साथ चलना है, आपको ये जो सिर्फ गूगल में क्या लिखना है, CRS पॉइंट कैलकुलेटर, ऐसा करके आप लिखोगे तो आ जाएगा, ओके। और
यहां से हम सारी फैक्टर्स को भरते जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कितने पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप मैरिड हो या सिंगल हो। तो नेवर मैरिड ज्यादातर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। सीधा ही थर्ड क्वेश्चन आ गए क्योंकि अभी आपकी स्पाउस की डिटेल्स की जरूरत नहीं है। हाउ ओल्ड आर यू? तो मोर लाइकली आप 23 इयर्स के करीब करीब में होंगे, तो हम 25 लिख के चलते हैं। चलो 25। ओके, व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन? लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है आपका? ओके, तो आप क्या कौन सा लिखोगे? मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री नीडेड टू प्रैक्टिस एंड लाइसेंस्ड फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स जो पीबीसी से डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन करवाए हो, तो ये लिखोगे। बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स है वो बैचलर लिखेंगे। ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स जो है वो भी यहाँ पे अपना जो टू इयर्स के एजुकेशन वाले ये लिखेंगे। तो अभी हम इसके लिए लिख के आगे बढ़ते हैं। ओके, मास्टर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री नीडेड टू प्रैक्टिस इन कैनेडा। ये आपके क्वेश्चंस जो है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फार्मडी कंप्लीटेड स्टूडेंट्स शुड सिलेक्ट द मास्टर्स एंड बैचलर वाला ही पॉइंट। यस, वही फार्मडी वाले सर क्या लिखे? परफेक्ट। ओके, मास्टर्स और प्रोफेशनल डिग्री वाला ही पॉइंट लिखना है, पीएचडी में नहीं जाओगे आप। ओके, इज अ पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग द स्टडी इंक्लूड इन वर्क परमिट? यस, आप वहां पे कनाडा में अगर ड्यूरिंग स्टडी आप पार्ट टाइम जॉब करते हो दैट इज नॉट काउंटेड। इंडिया में अगर आपने जो एक्सपीरियंस किया है एज ए फार्मेसी असिस्टेंट वो काउंट हो सकता है। इट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी 3 इयर्स, डज द पार्ट टाइम जॉब गिव एनी एडिशनल पॉइंट्स? इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स के ऊपर, पहले इस टूल को भर लेते हैं। ये दिख रहा है ना आपके सामने, ये स्क्रीन चेंज होती रहती है ना, ये डायनेमिक, ये हेलो। यस सर। ओके, हैव यू अर्न्ड ए कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट? आपने कोई यहां पे कोई क्वालिफिकेशन की है? यस। ओके, क्या पढ़ाई की है? व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव डन? 1 or 2 year? श्रेय आपका क्वेश्चन था 1 or 2 year डिप्लोमा सर्टिफिकेट पोस्ट सेकेंडरी। यस, ट्वेल्थ वाले बच्चे डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ 3 years और लॉन्गर, तो उसको ये सिलेक्ट करना है। हम पहले एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में जो अभी हमारा जो सिनेरियो है वो कैसा है, वो ऐसा सिनेरियो है कि 25-year-old पर्सन जो वहां पे 2 साल की पढ़ाई की है इंडिया में से बी फार्मा किया है और उसकी जो इंग्लिश है वो 8777 की है। आर योर टेस्ट रिजल्ट ऑफिशियल लैंग्वेज? यस, ऑफिशियल लैंग्वेज की IELTS आपने दी है। कौन सी दी है? तो IELTS दिया है। स्पीकिंग में कितने पॉइंट्स है आप यहाँ पे देखिए, स्पीकिंग में हम 7 लेके चलते हैं क्योंकि हम CLB 9 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 7। लिसनिंग में हम 8 पकड़ के चल रहे हैं, रीडिंग में हम 7 लेके चल रहे हैं। ओके, और राइटिंग में हमने 7 ले लिया। ओके, कोई अदर टेस्ट दी है आपने, मतलब फ्रेंच या तो और कोई टेस्ट? नॉट एप्लीकेबल, वी डोंट हैव गिवन एनी। ओके, इन लास्ट 10 इयर्स हाउ मेनी इयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस? कौन से ए और बी लेवल में आपके कितना एक्सपीरियंस है? ओके, इन लास्ट 10 इयर्स हाउ मेनी इयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा? इन कैनेडा 1 साल लिख रहे हैं अभी यहाँ पे। आप म्यूट कीजिए प्लीज, खुद को म्यूट करके चलिए। ओके, इन लास्ट 10 इयर्स हाउ मेनी टोटल इयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओ ए बी, बी मतलब फार्मेसी वाले, फार्मेसी टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं हम। ओके, अगर आपने बी फार्मा खत्म कर ली है तो आप ए कैटेगरी मतलब फार्मासिस्ट वाला एक्सपीरियंस लिख सकते हो। सर, एज यू हैव सेड वी हैव ए 1 year एक्सपीरियंस एज मेडिकल स्टोर, सो आई हैव अ क्वेश्चन, एनी मेडिकल इज एप्लीकेबल? अदरवाइज आई वर्क इन बिगेस्ट मेडिकल। नहीं नहीं, कोई भी अप्रूव्ड है जो फार्मेसी काउंसिल के साथ, वैसा कोई भी मेडिकल स्टोर में आप काम कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इश्यू। ओके,
तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वन ईयर, क्योंकि आई एम कंसिडरिंग ऑल ऑफ यू आर ए फ्रेश ग्रेजुएट और आप आपके जूनियर्स को ये बताओगे पक्का, दिस इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल ऑफ यू बिकॉज यू हैव कनेक्टेड विथ ऑल योर जूनियर्स, दोज हु आर स्टडिंग इन इन फाइनल ईयर और फिफ्थ सेम और वट एवर एरियाज, आप अभी से कुछ एक्सपीरियंस करना चालू कीजिए ताकि आप जब आपकी पढ़ाई खत्म होती है इमिडिएटली आफ्टर दैट वेन यू आर गोइंग आउट तो आपको ये एक्सपीरियंस भी काम आ सकता है. Do you have a certificate of qualification? ये अभी मैं PBC पास वाले स्टूडेंट्स के लिए लिख रहा हूँ, मतलब यस लिख रहा हूँ. ओके और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हैं तो आपको हमारा जो जो पोर्टल में इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आई हैव पुट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स विद द डिस्क्रिप्शन, उसमें सारी चीजें वहां पे लिखते रखी है. आपके पास वैलिड ऑफर लेटर है ऐसा मान के हम चलते हैं. ओके तो एक साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लेटर है और कौन से लेवल का है तो हम यहाँ पे लेवल ए बी लिख के चलते हैं. आपको या तो इफ यू आर गोइंग फॉर अ फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम एंड योर फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम ऑन बेस्ड अपॉन दैट यू हैव एक्सपीरियंस, आपको जॉब ऑफर है फार्मेसी टेक्नीशियन की, या तो आपके पास फार्मासिस्ट की जॉब ऑफर है कैनेडा में, तो ये पॉइंट्स अभी हम लिख के चलते हैं. यस आप कितने भी एम्प्लॉयर्स के साथ काम करते हो मोर देन 40 इयर्स इन द सेम सेक्शन वो काउंट्स होता है फुल टाइम वर्क में. ओके तो यहाँ पे हम ए बी कैटेगरी की फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस भी हमने लिख दिया है वन ईयर का. डू यू हैव ए नॉमिनेशन सर्टिफिकेट? प्रोविंशियल नॉमिनेशन नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे नो लिखते हैं. ओके डू यू और एनी स्पाउस कॉमन एटलीस्ट ब्रदर सिस्टर कोई कैनेडा में है? नहीं है ऐसा मान के चलते हैं अभी. नो रिलेटिव्स आर इन कैनेडा. ओके तो पहले हम इस सिनेरियो को समझ लेते हैं. 25 साल का बंदा इंडिया से बी फार्मा की है, पीबीसी से डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन करवाई है उसने, इंडिया में एक साल का एक्सपीरियंस है, कैनेडा में एक साल का एक्सपीरियंस है, पीबीसी पास कर लिए उसने, उसके पास कैनेडा में वर्क एक्सपीरियंस, उसके पास जॉब ऑफर है और उसकी IELTS में 8777 बैंड्स है. अगर आप ये प्रोफाइल में फॉल होते हो तो आपका टोटल स्कोर क्या होता है? देखिए पहले हम ग्राउंड लेवल पे सीधे नीचे चले जाते हैं. कितना हुआ? 574 और कट ऑफ कहां पे हो रहा है? 470. तो अब आप मुझे बताइए कि आप अगर मुझे ये पूछोगे कि सर मुझे PR मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, तो आपके पास ही आंसर से सारे. मान लो कि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है डाउन द लाइन, फिर भी आपको PR मिलेंगी क्योंकि हम 100 पॉइंट्स एडवांस प्लान कर रहे हैं. 475 आज की कट ऑफ है, वहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते हैं, कैनेडा में एक्सपीरियंस नहीं है, या तो उसके पास इंडिया से एक्सपीरियंस नहीं है. ये तीन ही मेजर एरियाज है, जो तीन मेजर एरियाज की वजह से उसके पॉइंट्स नहीं होते हैं. अभी हम एक एक फैक्टर को चेंज करते हैं. ओके तो सबसे पहला फैक्टर हम चेंज करते हैं इंग्लिश. तो आप इसको नोट करके रखिए, मैं यहां पे लिख के रखता हूं 574. अगर कोई होशियार कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रखिए तो कहां पे चेंज होता है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे. चलो मैं उसको कॉपी करके रख लेता हूं एक वर्ड की फाइल में. ओके 574. ओके अभी चलो हम चेंज करते हैं, एक ही फैक्टर को चेंज करते हैं. किसको चेंज करते हैं? इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंस है उसको चेंज करते हैं, बाकी सारी चीजें कॉमन रखते हैं. IELTS में हम सब में 6.5 बैंड कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है देखते हैं. 6.5, बाकी कुछ नहीं चेंज किया है, सिर्फ हमने इंग्लिश चेंज किया है, 6.5 चेंज किया है. कहां पहुंचे? ओके 536.
तो अगर आप इंग्लिश 6.5 पे भी आते हो और पीबीसी कर लेते हो, बाकी के फैक्टर्स को अगर आप मैनेज कर लेते हो तो भी इट्स मैनेजेबल. अब जाते हैं खाली इंडिया के एक्सपीरियंस को हटा देते हैं. पहले हम हटा देते हैं इंडिया के एक्सपीरियंस को, पहले वहां के जो जॉब ऑफर है उसको हटा देते हैं. ओके, कनाडा की जॉब ऑफर एलएमओ को हटा देते हैं. अब क्या होता है? ओके, 486 अभी भी जो मेजर फैक्टर्स है वो इंडिया का एक साल का एक्सपीरियंस, कनाडा का एक साल का एक्सपीरियंस और पीबीसी पास कर ली है. ये तीन पॉइंट्स के ऊपर अभी भी हम पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. ओके, अब जाते हैं पीबीसी अगर आप पास नहीं करते हो तो. पीबीसी पास नहीं करते हो ओके, तो कहां पे फर्क पड़ता है? सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन को हम हटा देते हैं. ओके, यहां से गेम चेंज होना चालू हो जाता है. देखो, आपके पास क्या है? इंडिया का एक साल का एक्सपीरियंस और कनाडा का एक साल का एक्सपीरियंस है. अभी ये दो मेजर फैक्टर्स है. ओके, 462, अब आप स्ट्रगलिंग फेज में चले गए. अगर आप पीबीसी नहीं किए हो, आपने कोई भी और प्रोग्राम, जैसे कि आपने सीएलटी कर लिया है, केमिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन की पढ़ाई की है, पीबीसी नहीं हुआ है, फिर भी आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस सीएलटी के बेस पर है, इंडिया में से आपने बी फार्मा की है और आपकी इंग्लिश अगर 8777 की हो जाती है. अब हम उसको चेंज कर लेते हैं. देखो यहाँ पे इंग्लिश को चेंज करते हैं. ओके, स्पीकिंग 7, लिसनिंग 8, 7, 7. फिर भी पीआर हो जाता है. इसीलिए मेरा जो कहने का मतलब है, पीबीसी पे फोकस कीजिए, बहुत अच्छा है. अगर पीबीसी नहीं भी होती है और इंग्लिश के ऊपर आप फोकस करोगे और सीएलटी या तो कोई भी प्रोग्राम, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी पढ़ाई करने जाते हो उसके ऊपर अगर आपने जॉब कर ली एक साल की और इंग्लिश अच्छी कर ली और इंडिया में अगर आपके पास एक साल की एक्सपीरियंस है, तो आपके पास अगर प्रोविंशियल नॉमिनी भी नहीं है, आपके पास एलएमओ भी नहीं है, तो भी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हो. ओके, तो ये भी कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में फिट करके रखने हैं. लेट्स वी कंसीडर इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, कनाडा में भी एक साल का एक्सपीरियंस है, पर आपके पास इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है देखते हैं. ओके, वर्क एक्सपीरियंस, ओके, यहां पे इन लास्ट 10 इयर्स हाउ मेनी टोटल इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, हम उसको अगर यहां पे नन और लेस देन 1 ईयर करते हैं, None or less than 1 year. $474. अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है तो 512 में से आप यहां तक फॉल कर गए. ओके, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस पड़ा आपके? एक साल का कनाडा का एक्सपीरियंस है और इंडिया में अगर एक साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कितने पॉइंट्स का फर्क पड़ता है? 12 पॉइंट्स और 25 अप्रोक्स, ये तो करीब करीब 37 पॉइंट्स तक का फर्क पड़ता है एक साल के इंडिया के एक्सपीरियंस. तो आपको समझ में आ रहा है, दिस इज अ ह्यूज बिग फैक्टर इफ यू हैव अ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इंडिया. ओके, अब हम जाते हैं अगर आपके पास इंडिया में एक साल का एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल, पर कनाडा में एक भी साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या होता है? तो आपको कोई मेजर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. इन लास्ट 10 इयर्स कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस नन और लेस देन 1 ईयर. इसीलिए आपकी सारी चीजों को मल्टीप्लाई करने वाली चीजें दो ही है, कनाडा में एक साल का एक्सपीरियंस और इंग्लिश.
ये दो चीजें हैं और उसके साथ में अगर इंडिया में एक साल का एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपोनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे. ओके गुड. अभी कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे. इफ इन इंडिया नन एक्सपीरियंस एंड इन कनाडा 2 इयर्स एक्सपीरियंस, आप यही टूल्स के ऊपर प्ले करते जाइए, आपको फायदा मिलेगा, आप कैलकुलेट कर पाओगे. मुझे सिर्फ आपको हैंड होल्डिंग करवानी थी कि एक बार मैं आपको हैंड होल्डिंग करवा दूंगा तो फिर आप उसके साथ खेलना चालू करोगे, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, उसको आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे. ओके सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सपीरियंस इज कैलकुलेटेड और नॉट? असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सपीरियंस रेलेवेंट टू फार्मेसी अगर आपने किया है तो वो कैलकुलेट हो सकता है. ओके दूसरा, आफ्टर पीबीसी क्लियरेंस डू वी हैव टू गेट ए 1 ईयर एक्सपीरियंस? अगर आपने ड्यूरिंग स्टडी, जैसे आप पढ़ाई करते हो उसी टाइम पे अगर मान लो कि आपने फार्मेसी की एग्जाम पास करके पीबीसी डन कर ली एंड व्हेन यू आर वर्किंग एज ए ट्रेनी फार्मासिस्ट तो वो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा. कब? आपकी पढ़ाई के बाद जब आपने खत्म किया है तब. ओके इफ वी गिव एग्जाम फॉर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जैसे आपने फ्रेंच दे दिया तो. इफ पब्लिक हेल्थ एसोसिएट्स एंड क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की जॉब का एक्सपीरियंस हो तो. ओके अगर पब्लिक हेल्थ एसोसिएट्स आपकी फील्ड रिलेवेंट एक्सपीरियंस है और आप वहां पे जब एनओसी कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में दो कैटेगरीज है यहाँ पे, मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूँ उसमें एक ही बात, अभी हम सीआरएस की बात कर रहे हैं तो सीआरएस में यस काउंट होगा. ओके सीआरएस में काउंट होगा, डोंट वरी अबाउट इट. ओके उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर से छूट रहे हैं, पहले उसको एक बार ले लेते हैं. ओके 20th अक्टूबर वाली जो बात है वो ऑफिशियली उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. अश्विनी का पॉइंट था सर वर्क एक्सपीरियंस मतलब कैसे, वो पॉइंट बात हो गई हमारी. पापा का मेडिकल है, बड़े मेडिकल की जरूरत नहीं है. मल्हार पंडित का क्वेश्चन है इज इट नेसेसरी टू शो एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द सेम एम्प्लॉयर? वो 1 ईयर नहीं, ऐसा नहीं है कुछ मल्हार, आप किसी दो एम्प्लॉयर से भी आप ले सकते हो पर फील्ड आपकी थोड़ी सी रिलेवेंसी में होनी चाहिए. टोटल क्यूमुलेटिव जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है. सर हाउ मच आवर्स? वो 40 आवर्स आप रखो तो अच्छा है. निर्मल सर इफ वी हैव वर्क्ड एट अवर ओन फार्मेसी विदाउट सैलरी वाली बात तो नहीं चलेगी भाई, क्योंकि विदाउट सैलरी वाली चीजें नहीं होती है. इसके बारे में आप थोड़ा सा सोच लीजिए, केस में पेमेंट होता है, सैलरी स्लिप केस की बना के आप कर सकते हो अगर आप काम कर रहे हो तो. आप ये पॉइंट्स को डिस्कस कीजिए. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है आप जब भी यहाँ पे फिजिकली मिलने के लिए आते हो तो आप हमें मिलिए, वी कैन गाइड यू, वी कैन हेल्प यू. अभी ये आपके माइंड में रखिए बस कि ये जरूरी है, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है आगे जाके. इफ इंडिया से मास्टर किया हो तो कनाडा में पीजी प्रोग्राम करते हैं तो उससे क्या, वो दोनों ही चीज तो सेम होगी, आपको मास्टर्स और कनाडा में जो आपका स्टडी और जो एजुकेशन है उसके पॉइंट्स मिलेंगे. फार्मडी फ्रॉम इंडिया 2 इयर्स स्टडी इन कनाडा देन विच कैटेगरी वी बिलोंग? अगर आपने फार्मडी की है, पीबीसी से आपकी डॉक्यूमेंट असेसमेंट करवा ली है तो वो पॉइंट्स वहां से मिल जाएंगे. 2 साल का आप डिप्लोमा या तो कुछ भी कनाडा से पढ़ोगे तो कनाडा के एजुकेशन के जो पॉइंट्स मिलते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट में आपको समझाता हूँ. आपने ये जो सारे फैक्टर्स कर दिए, अब आप देखिए एज के 110 मिल गए, आपको लेवल ऑफ एजुकेशन के 135 मिल गए. क्यों? क्योंकि आपने पीईबीसी से आपकी डॉक्यूमेंट असेसमेंट करवाई थी, इसीलिए आपने कनाडा में स्टडी किया है. इसीलिए आपने क्या पढ़ाई की है वो नहीं, एटलीस्ट आपकी 2 साल की जो एजुकेशन कनाडा में उसके 15 पॉइंट्स मिल गए और आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के 124 मिल गए. अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि टोटल वर्क जो ऑफिशियल लैंग्वेज के जो 136 पॉइंट्स थे उसमें से आपको 124 मिल गए, स्टडी इन कनाडा के 15 पॉइंट्स मिल गए क्योंकि आपने 2 साल की पढ़ाई किया, लेवल ऑफ एजुकेशन के 135 पॉइंट्स मिल गए और एज के पॉइंट्स आपको मिल गए 110. स्पाउस नहीं है आपकी, स्किल ट्रांसफरेबिलिटी में बहुत फर्क पड़ गया. देखिए यहाँ पे आपकी लैंग्वेज सही है, मतलब 8777 है और आपने ये जो है कनाडा में एजुकेशन किया है तो 50 पॉइंट्स मिल गए. यहाँ पे अगर आपके पास कनाडा का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस
और इंग्लिश दोनों ही होता तो 50 पॉइंट्स इसके बढ़ जाते, एक साल का एक्सपीरियंस अगर कनाडा में होता तो। अगर आपके पास यहाँ पे आइए, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज एंड फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, इसके आपको यहाँ पे 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस एंड फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस दोनों ही होते तो इसके भी पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते। तो आप क्या करोगे, आप फैक्टर को चेंज करके इंडिविजुअल पॉइंट्स में कैसे बदलाव आता है उसको थोड़ा सा प्ले करोगे, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि अच्छा कैसे मैं पॉइंट्स को गेन कर सकता हूँ। पर पॉइंट्स को गेन करने की जो मेजर गेम है वो तीन जगहों पे ही है। कनाडा में आप एक साल का एक्सपीरियंस कीजिए, इंडिया में एक साल का एक्सपीरियंस कीजिए, और इंग्लिश में आप 8777 लेके आइए। और फोर्थ, जो भी प्रोफेशनल्स है वो अपनी ECA अपनी प्रोफेशनल बॉडी से ही करवाइए, जैसे नर्सिंग वाले है, या तो आप फार्मेसी वाले है, या तो फिजियो वाले है, डेंटिस्ट्री साइंस के है, वो सारे लोग अपनी डॉक्यूमेंट असेसमेंट रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से करवाइए, नहीं कि वेस्ट है। ओके, ओवरसीज एजुकेशन जो वेस्ट से जो करवाते हैं वो बाकी के प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं 12th के बच्चे के बारे में। पहले एक बार 12th के बच्चे की जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट करते हैं, ताकि आपको एक समझ आ जाए कि 12th के प्रोग्राम्स में क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो पहला पॉइंट है वो नेवर मैरिड, दूसरा है उसकी एज होगी कुछ 22 इयर्स के करीब। ओके, व्हाट इज लेवल ऑफ एजुकेशन कनाडा में, या तो उसकी जो मैक्सिमम लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, उसने पढ़ाई की है, टू और मोर सर्टिफिकेट नहीं, टू इयर्स प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी और ट्रेड और टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसने बैचलर नहीं किया, टू इयर्स की प्रोग्राम की है। Have earned a Canadian degree? Yes. Choose the best answer. Describe the level of education. Degree, diploma, 3 years wala. Official language? Yes. IELTS 8777. Dusri koi language nahi likhi hai. Uska ek saal ka work experience Canada mein hai. 1 year experience in Canada. Usko India mein koi experience nahi hai. Agar यहाँ पे हम नो लिख के चलते हैं, क्योंकि अभी उसकी प्रोफेशन में कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है, उसके पास कनाडा में अगर जॉब ऑफर है ओके, ये लेवल की ही जॉब ऑफर है उसके पास, कॉमन लॉ पार्टनर नहीं, ओके तो उसको 490 पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि उसने 3 साल के प्रोग्राम लिए। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट देखना है, 12th वाले स्टूडेंट्स अगर कोई है तो ये देख के रखिए आप, स्टडी इन कनाडा के 30 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ओके, जॉब ऑफर के 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 2 साल कर दोगे और आगे भी आपको पॉइंट्स जो यहाँ पे भी जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो 30 पॉइंट्स है, ओके। अगर मान लो कि आप 2 साल की डिप्लोमा कर दोगे तो आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा पॉइंट्स में, 475। फिर भी उसके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है और इंग्लिश है, ये दो फैक्टर से 2 साल की प्रोग्राम पढ़ने वाला बच्चा भी पीआर कर सकता है। अब बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन पढ़ने के लिए, अगर 12th का बच्चा कोई जा रहा है तो, और वो फार्मेसी टेक्नीशियन की अपनी लाइसेंसिंग एग्जाम्स कंप्लीट करके वो फार्मेसी टेक्नीशियन बन जाता है तो उसको 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसको अगर हम यस कर देते हैं तो उसको 525 पॉइंट्स हो गए। अब ये समझ के चलिए कि जो बच्चा 2 साल के कोर्स में जा रहा है, 2 इयर्स फुल टाइम स्टडी इन कनाडा, और वो भी लाइसेंसिंग प्रोफेशनल पढ़ने के लिए जा रहा है, और इंग्लिश 8777 है, उसको कनाडा में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो पीआर मिल जाएगी। अगर आप नॉन लाइसेंस प्रोफेशन में जा रहे हो तो आप अगर इंग्लिश भी लेके चलते हो वो सिचुएशन में स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड कि आप 3 साल की प्रोग्राम लेके जाइए, ओके, 12th वाले बच्चे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इसके साथ में थोड़ा सा खेलिए, उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई कीजिए, दिस इज रियली वैल्यूएबल, आपको बहुत अच्छा जो फायदा है वो मिलेगा।
अश्विनी का जो क्वेश्चन है 1+1 years टू जो प्रोग्राम है आपको मोर देन टू प्रोग्राम्स के जो पॉइंट्स है वो हिसाब से ही मिलेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. मैक्सिमम ऑप्टिमम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. गैलेक्सी A50 का क्वेश्चन है सर इफ आई कंप्लीट माय डिप्लोमा इन कनाडा एंड गो ऑन फॉर फर्दर स्टडी इन डिग्रीज इन विच कैटेगरी डू आई बिलोंग. आप डिग्री में जाओगे और दो क्वालिफिकेशन में जाओगे. पहले में दो क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स मिलेंगे और नीचे आपको डिग्री वाले पॉइंट्स मिलेंगे. ओके तो आप ये जो फैक्टर्स है उसको चेंज करके यही सिचुएशन से आप करते जाइए. अंकित का क्वेश्चन है आई हैव कंप्लीटेड माय एमफार्म एंड हैव 1.5 इयर्स एज अ फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस बट माय आईएलटीएस स्कोर इज 6 ओवरऑल एंड माय फाइनेंस इज फियांसे हैज अप्लाइड फॉर स्टूडेंट वीजा सी गॉट 6.5 इन ईच मॉड्यूल. तो आप बस ये सारे पॉइंट्स जो है उसमें मेन एप्लीकेंट्स कौन है और स्पाउस कौन है ये आप पहले कैटेगराइज कर लीजिए. ओके स्पाउस के पॉइंट्स मैक्सिमम 40 है और मेन एप्लीकेंट्स के जो ह्यूमन कैपिटल के पॉइंट्स है वो 460 है. तो पहले यहां से आप दोनों को मेन एप्लीकेंट कर करके एक बार चेंज कर लीजिए क्योंकि आपकी स्पाउस जो है आपकी वाइफ है वो पढ़ने के लिए जा रही है तो डेफिनेटली वही मेन एप्लीकेंट होगी और आपके पॉइंट्स उसको एड ऑन एक्स्ट्रा मिलेंगे. ओके तो आप मैक्सिमम 40 में से आपकी वाइफ के टुवर्ड्स में कितना एड ऑन करते हो उसको कैलकुलेट कर लीजिए और आपकी वाइफ के जो मेन पॉइंट्स है उसको एक बार फिल करके काउंट कैलकुलेट कीजिए. ओके ये अश्विनी का पॉइंट है कि कितने पॉइंट्स होते हैं वो हम मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ. सर हाउ मच सैलरी इज मैक्सिमम फॉर 1 year एक्सपीरियंस. सैलरी कोई ऐसा नहीं है पर जो वो प्रोफेशन में जितनी होती है जैसे अगर आप फार्मासिस्ट काम करते हो तो 12-15,000 के करीब करीब अगर आप ड्रॉ करते हो तो दैट इज ओके वो रीजनेबल विद इन द बाउंड्री ही रहेगा. ओके आई होप सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो चुके हैं. अगर पीवीसी क्लियरेंस डू वी हैव टू गेट ए 1 year एक्सपीरियंस. यस अगर आपकी पीवीसी क्लियर होती है और उसके बाद एक साल का एक्सपीरियंस है तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ड्यूरिंग स्टडी यू हैव टू कंप्लीट द 3 कंपोनेंट ऑफ योर पीवीसी और जैसे आपको वर्क परमिट मिलती है ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग इन फार्मेसी. अगर आप ऐसा करना चालू करोगे तो आपको ऑप्टिमम बेनिफिट्स मिलेंगे. ओके तो आई होप सारे क्वेश्चंस हमने एड्रेस कर लिए हैं और आज से आप यही फैक्टर्स को दिमाग में रख के ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें आप देखना चालू करोगे. ये टूल्स को मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि देखो अब सारी चीजें आप जब आपकी एक्चुअल प्रोफाइल बनाओगे तो इजी है आप प्रोफाइल बना सकते हो. देयर इज नो एनी इश्यू विद दैट. आप किसी प्रोफेशनल को हायर करोगे तो भी आपको तो पता ही होगा व्हाट यू आर डूइंग. ओके और वो आपके साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी आपको पता होगा कि कैसे पॉइंट्स पे आप जा रहे हो. तो आप ब्लाइंडली किसी को पैसे मत दे दीजिए. आप खुद अंडरस्टैंड कीजिए खुद पॉइंट्स के बारे में समझना चालू कीजिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है वो भी आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा. एज के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देनी है. लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेशन देना है. स्टडी इन कैनेडा का जो लेवल डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी कॉलेज देगी. ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आपको IELTS देनी है. स्पाउस के लिए मैरिज सर्टिफिकेट देनी है. स्किल ट्रांसफरेबिलिटी के लिए आपने कनाडा में एजुकेशन किया है और आपके एक्सपीरियंस लेटर्स है वो सारी चीज़ों के ऊपर से ये हो जाएगा. अगर आप किसी प्रोविंशियल नॉमिनी है तो अलग चीज़ है. आपके पास जॉब ऑफर है तो LMO हो गए आपके पास. स्टडी कनाडा का तो ऑटोमेटिक पॉइंट हो जाएगा. आपका ब्रदर सिस्टर्स वहाँ पे है तो उसके जो परमानेंट रेसिडेंसी या तो सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे तो ये चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है. डोंट थिंक दिस एज ए वेरी डिफिकल्ट पॉइंट है. ऐसा समझ के मत चलिए. आप खुद कर सकते हो और कंफर्टेबली और इजीली कर सकते हो. ओके अभी और कोई क्वेश्चन डाउट्स है तो पूछ लीजिए. विनय का जो क्वेश्चन है वो सर हाउ टू प्रिपेयर एंड क्रैक पीबीसी व्हाइल स्टडिंग एमएस. उसके लिए हमने अलग वीडियोस बनाई है और पीबीसी अगर आप हमारे पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पे इंट्रोडक्टरी वीडियोस में भी स्टडी प्लान कैसे बनाना है ये बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है.
Malhar ka question is, sir, choice of college and state is matter at which extent in PR to view of permanent residency. तो वो तो हमने पहले ही बात कर ली है कि अगर आप किसी ऐसे स्टेट में जाते हो कि जो स्टेट में आपका परमानेंट रेसिडेंसी के लिए स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, तो वो स्पॉन्सरशिप, फॉर एग्जांपल अगर आप अल्बर्टा में गए और अल्बर्टा की स्टेट स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपको स्टेट स्पॉन्सरशिप मिलती है तो आपको एडिशनल स्टेट स्पॉन्सरशिप के 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आपको पीआर इजी हो जाएगी. ओके विनय, आप ऑफिस पे एक बार कांटेक्ट कीजिए, शानिया और शिवंग यहाँ से, शानिया आपको हेल्प करेगी ये कैसे पोर्टल में से आप कैसे इसको एक्सेस कर सकते हो और ये इंफॉर्मेशन आप कैसे उसको ले सकते हो. ओके स्टडी इन रीजनल का मतलब होता है, नहीं स्टडी इन रीजनल ये पॉइंट्स आप ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, पर यहाँ पे जो बात हो रही है वो आप मान लो कि मैनिटोबा में पढ़ाई की है तो मैनिटोबा आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स देंगे और आपको पीएनपी के लिए एलिजिबिलिटी इजी हो जाएगी, ये उसका एक मेन फायदा है. अंकित का क्वेश्चन है, आई हैव कंप्लीटेड माय एमफार्म इन 1.5 इयर्स एक्सपीरियंस. हमने ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस कर लिया ना, तो शुड आई हैव टू अप्लाई फॉर पीआर. अगर आप देख लीजिए आप 470 के नजदीक में पहुंचते हो ये टूल का यूज करके तो आप डेफिनेटली यही कीजिए, अगर नहीं पहुंचते हो तो आप स्टूडेंट वीजा पे आपकी वाइफ जाएगी या तो आप जाओगे, कुछ भी होगा तो उसके आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे. एडिशनल पॉइंट्स बहुत सारे वहां जाने के बाद मिल सकते हैं क्योंकि इसीलिए कनाडा एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है कि स्टूडेंट्स दोज हु आर एक्वायरिंग एजुकेशन फ्रॉम कनाडा एंड गेटिंग ए वर्क एक्सपीरियंस दे आर मोर पोटेंशियल कैंडिडेट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कंपेयर टू द कैंडिडेट दोज हु हैज वर्क एक्सपीरियंस इन देयर होम कंट्री, माइट बी यू आर नॉट गोइंग टू बी एम्प्लॉयड इन कनाडा, इसीलिए ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं. हर्षिल पटेल का क्वेश्चन है, सर हाउ इज द स्कोप ऑफ मास्टर ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर एमफार्म फॉर कनाडा. मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में बहुत अच्छे स्कोप है, पर आपको विंडसर में से अगर आपने मास्टर्स कर ली पर आपके अंदर वो सारी स्किल्स नहीं होंगी जो एक साइंटिस्ट में होनी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी टू गेट जॉब इज वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए आप ये सारे पॉइंट्स उतने इजी नहीं है कि आप इजीली एज ए साइंटिस्ट काम कर पाओगे. इससे अच्छा है कि आप ऐसे प्रोग्राम पसंद कीजिए, अगर आपने पेमेंट नहीं की है या तो आप अभी वहां पे नहीं चले गए हो तो थोड़े से ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोग्राम को पसंद कीजिए जहां पे जॉब के स्पेक्ट्रम्स थोड़े से बड़े हो, क्योंकि आप अगर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स की है तो आपके पास स्पेक्ट्रम्स बहुत ही नैरो है ओके जॉब्स के लिए, तो ये भी आपको थोड़ा सोच के चलना चाहिए. ओंटारियो प्रोविंस में नॉमिनेशन, एक तो नॉर्दर्न ओंटारियो की जो प्रोविंस मतलब उसके जो पॉइंट्स है वहां से आप क्लेम कर सकते हो या तो एक्सपीरियंस कैटेगरी में से जा सकते हो, और ये सारी स्पेसिफिक जो इमिग्रेशन के पॉइंट्स है वो आप किसी एक्सपर्ट से ही बात कीजिए, या आज का जो हमारा एजेंडा है वो नॉट द इंडिविजुअल केस स्टडीज के ऊपर हम किसी भी वन ऑन वन को हम पीआर के लिए गाइड करते हैं, ऐसा नहीं है. एक जनरल ओवरव्यू है कि कौन से मेजर फैक्टर से आपको क्या ध्यान देना चाहिए, अभी का जो हमारा टाइम है उसको हम ऑप्टिमम कैसे यूज कीजिए कर सकते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने के लिए सेशन रखा है. ये बहुत फिर अलग हो जाता है विद जॉब, आपको जहां पे भी जॉब, आइडियली तो आप फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट काम करो, दैट इज बेस्ट है. अगर आप फार्मासिस्ट नहीं बन पाते हो तो फिर आप अगर इंडस्ट्री में काम करते हो एज ए एनालिस्ट, एज ए प्रोडक्शन में काम करते हो तो भी ठीक है, अगर आपने एचआर किया है और एज एचआर मैनेजर काम करते हो वो भी ठीक है. तो स्पेक्ट्रम थोड़ा सा बड़ा फार्मेसी लाइसेंस में है, और उसके बाद आपको क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन इन फूड एंड फार्मा कॉस्मेटिक, वो सेगमेंट में थोड़ी सी ज्यादा जॉब्स. विभोर का क्वेश्चन है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड में पोस्ट ग्रेजुएट में फार्मास्यूटिकल एंड फूड साइंस अच्छा ऑप्शन है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अच्छा ऑप्शन है, फूड क्वालिटी एश्योरेंस अच्छा ऑप्शन है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी अच्छा है, केमिकल लेबोरेटरी फार्मास्यूटिकल भी अच्छा ऑप्शन है, तो इंडस्ट्री में ये सारे ऑप्शन अच्छे हैं.
आप फ्रेंच के कोर्स अगर गुजरात में कर लोगे, उसकी एग्जाम दे दोगे, तो आपको सेकंड लैंग्वेज के एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप इंग्लिश के ऊपर फोकस कीजिए अंकित, और हो सके तो आप इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि इंग्लिश ही बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ओके, तो आपके कुछ व्यूज दीजिए मुझे कि हाउ डिड यू फील अबाउट द क्लास। आप आपकी म्यूट को छोड़ कर मतलब वर्बली बोलिए, आज का जो सेशन था आपको लगता है कि दैट इज वैल्यूएबल, दैट इज वर्थ वाइल, उससे आपको कुछ समझ आई, या तो आप कुछ उसको कर सकते हो, ऐसा कुछ यूज कर सकते हो उसे? अमेजिंग सर। फार्मास्यूटिकल इन फूड इज बेटर अश्विनी कंपेयर टू फूड टेक्नोलॉजी, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी 2 साल का सेंटिनियल का प्रोग्राम है। फार्मास्यूटिकल इन फूड साइंस के साथ में आप दूसरा प्रोग्राम जोड़ोगे तो आपके स्पेक्ट्रम थोड़े से बड़े हो जाएंगे। नहीं, दोनों में अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट है तो भी चलेगा। चलो एक पॉइंट सभी हमें सीआरएस के बाद एक पॉइंट और भी डिस्कस करना है, उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो सीआरएस के टूल के बारे में आई थिंक आपको बहुत सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम समझ आ गई। अब आप उसको थोड़ा सा यूज करोगे, खेलोगे, तो आप उसको बेहतर तरीके से यूज कर पाओगे। अभी जैसे समझ लीजिए कि सबसे पहले आपने प्रोफाइल बना दिया आपकी, ऑल द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए, आपको इनविटेशन टू एप्लीकेशन आ गया। इनविटेशन टू एप्लीकेशन आने के बाद आपको पीआर के लिए अप्लाई करना है। जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो, उसको जो 6 फैक्टर्स परमानेंट रेसिडेंसी बोलते हैं। ओके, तो ये होता है आपका ओके, ये आपके जो पॉइंट्स है वो यहां से कैलकुलेट करना है। अभी हमने जो एक्सपीरियंस 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 के ऊपर बहुत सारी बातें की, अब आप ये सोचिए कि आपकी इनविटेशन टू एप्लीकेशन मिल गई है आपको। ओके, आफ्टर इनविटेशन टू एप्लीकेशन अब आप क्या कर रहे हो? पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो। पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फेडरल के 100 पॉइंट में से 67 पॉइंट आपको स्कोर करने हैं। अब ये 67 पॉइंट कैसे आएंगे? तो उसमें लैंग्वेज स्किल्स एबिलिटी के 28 पॉइंट्स है, उसमें 24 फर्स्ट लैंग्वेज और 4 पॉइंट सेकेंड लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे IELTS एंड आपकी फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो रही है। एजुकेशन के 25 पॉइंट्स, वर्क एक्सपीरियंस के 15 पॉइंट्स, एज के 12 पॉइंट्स, अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट के 10 पॉइंट्स और अडोप्टेबिलिटी के 10 पॉइंट्स, ऐसे करके टोटल 100 पॉइंट्स होते, उसमें से 67 पॉइंट्स लेने हैं, और वहां से आपकी जो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आप एलिजिबल होते हो। ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर आपको इनविटेशन मिलती है तो मोर लाइकली ये पॉइंट्स आपके हो ही जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिंक दी है, वो लिंक के ऊपर आप जाओगे तो आपको इसके इंडिविजुअल पॉइंट्स की जो कैलकुलेशन है वो भी समझ आ जाएगी। ओके, अगर आपको मैं शेयर करूं स्क्रीन, तो ये 6 सिलेक्शन फैक्टर। तो पहली बात तुमने सीआरएस के पॉइंट्स की कर ली, जो 1200 पॉइंट्स है उसमें से आपको मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करने हैं। उसके बाद आपको इनविटेशन टू एप्लीकेशन आएगा, इनविटेशन टू एप्लीकेशन के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे, पीआर के लिए अप्लाई करोगे तब आपको 67 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 करने हैं। और उसके जो ये 6 पैरामीटर्स है, लैंग्वेज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एज, अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट, एडोप्टेबिलिटी, तो यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया गया है कि आपके CLB लेवल्स कौन सा है। अगर आपका 9 है तो आपको 24 पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब 8777 है अगर आपके पास तो आपको 24 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद आपने अगर फ्रेंच दी है तो ठीक है, नहीं लिखी है तो इट्स ओके। अब आपके टोटल जो एजुकेशन है उसके 25 पॉइंट्स मिलेंगे। ईसीए रिपोर्ट्स चाहिए, यहाँ पे ईसीए रिपोर्ट्स कैसे काम करती है? तो ईसीए आप 2 जगहों से ले सकते हो, वेस से ले सकते हो और आपकी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से ले सकते हो, तो इसके मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस के एक टेबल बना के दी है कि आपको कितने साल का टोटल एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये कैलकुलेशन का जो स्केल है वो डिफरेंट है,
और सीआरएस का स्केल डिफरेंट है और एज के आपको एक मैक्सिमम पॉइंट्स 12 मिल जाएंगे। तो आइडियली ये 67 पॉइंट्स करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको इनविटेशन मिल जाती है तो मोर लाइकली यू कैन गेट इट। ओके, तो ऐसे करके आपको दोनों ही पॉइंट्स को क्लियर करना है, पहले सीआरएस की समझ होनी चाहिए और फिर आपको फेडरल की इमिग्रेशन के जो पॉइंट्स है उसकी समझ होनी चाहिए। गुड, तो बस आज का सेशन कुछ यहाँ तक ही था और अभी हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आई हैव ड्यूरेशन ऑफ वन ईयर, क्या है, इट इज ए गुड कोर्स फॉर फूड साइंस मल्हार सर, फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी गिवन IELTS एंड स्पेसिफिक लर्निंग। आप थोड़ा सा फ्रेंच के लिए थोड़ा सा सर्च कीजिए। ओके, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स है जो फ्रेंच कोर्स करवाती है, अभी हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स के बारे में नहीं बोलेंगे बताएंगे, पर आप बहुत सारे उसको कर सकते हो। और एक सेकेंड, I was asking about any examination which is proper or licensed. हाँ वो है ना, DLA एग्जाम तो है यहाँ पे जो आपके लिए, देखो ये आप अगर टूल में जाओगे ना तो वहां से भी आपको मिल जाएंगी और इसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे दो देखिए आप पहले इसको देख लीजिए, ये जो है फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज और ये जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप गूगल पे खाली इतना टाइप करोगे कि कौन सी लैंग्वेज का कंपैरिजन CLB के साथ में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ है तो आपको पूरा उसका लिस्ट मिल जाएगा। ओके, और अहमदाबाद में भी प्रिपरेशन होती है, गुजरात में भी प्रिपरेशन होती है, बहुत सारी एजेंसीज फ्रेंच के लिए प्रिपेयर करवाती है। आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए तो ये डिरेल नहीं होंगे हम, जो हमारा जो मेजर पॉइंट्स है वहां से। और okay, अगर आपको क्वेश्चन इसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम, आप कभी भी ऑफिस पे आते हो तो आई कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। थैंक यू। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपके पॉइंट्स को शेयर कीजिए और अभी हम उसको शेयर को स्टॉप शेयर कर देते हैं। यस, हाउ डिड यू फील अबाउट द टूडे सेशन? आपको लगता है कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी यहाँ से? हेलो सर। यस हेलो सर, सर अश्विनी स्पीकिंग। यस अश्विनी। यस सर, मेरे भाई के लिए भी हम बहुत सारे जगह पे PR के लिए गए थे कंसल्टेंसी के लिए सर, बट इतना क्लियर आइडिया कहीं पे आया नहीं सर। मतलब बहुत डिटेल्ड और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आया है मेरे लिए भी और मेरे भाई के लिए भी सर। तो आपने जो ये पर वीक एक ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन का सोचा है, आई थिंक सर वो बहुत ही अच्छा आइडिया है। एंड सर ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेट्स सर। थैंक यू, थैंक्स अश्विनी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और स्टूडेंट्स आप आपके व्यूज को शेयर कीजिए प्लीज, तो मुझे समझ आया कि मतलब आपको कुछ फायदा मिला है, आप कैसे उसको प्लान करोगे वो। सर आई एम लैंगेबल विनय साई सर। यस विनय सर, एक्चुअली आई फर्स्ट वेंट फॉर वाई एक्सिस, आई पेड 40,000। So, but I did not get this much information. Just they asked me to apply for courses, but that courses were also not liked by me. So soon I asked one of my senior who applied for Pharma Vision. So he has given your card and I went and approached Pharma Vision. And Shania, she took very good care and she immediately applied for pharmaceutical food technology in Dams University, Canada, and also she applied for Northeastern University for Masters in Regulatory Affairs. So presently she is even applying for St. Lawrence College for Masters in Health Administration. Okay, post-grad in Healthcare Administration, yes. Yes, yes. So what is your opinion on these three courses, sir? You have done PharmD? Yes, sir. PharmD 6 years. Okay, so in that situation, Northeastern MS is relatively good option for you. Okay, sir. So, what about this pharmaceutical food technology, sir? Pharmaceutical and food science technology is also a very good option. If most of the time what happened, the students, those who have done the PharmD, they are more inclined towards the pharmacy practice and regulations and kind of stuff. Okay, but if you are ready to switch your career towards the industrial side, then pharmaceutical and food science is considered as one of the best program.
when comparing about the employment chances, then definitely pharma food has a more employment compared to a regulatory affairs. Okay. Yes, sir. Sir, will PharmD will be considered as master's degree over there, sir? Yes, not the master's edge, but it doesn't make any difference because you have done your undergrad with the professional qualification ke liye aap eligible ho, that's why you are getting the maximum points. But they are sir, not considering it as a master's. But in India, it's considered as a postgraduate degree. No? Yes. In India, they are considering it. But Canada, because either you are going to complete your document evaluation through the WAIST or you are going to complete your qualification through the PEVC. So both are going to give the certificate equivalency with the graduation. Sir, one more thing is I have two various points in my mind, sir. That is, one I am choosing for Australia and one Canada. So I want to know a clear cut idea Canada. Today from you. Canada, which is, Canada best? Is best. Canada is really, really best. So, okay, sir. Sir, really, I thank you, sir, because you are helping a lot of pharmacy students, especially because you are enlightening our pharmacy profession. Thank you, sir. Thank you Thanks. Very much. Thanks, Vinay. Any other and your, students? And your consultancy is charging very minimal fees. That thank is 8,000. So, thank you so much, sir. Thank you, Vinay. Thank you very much. Okay, any other students? Or aapke jo points hai, actually in next week I am planning to invite. This is the session is called the Vichar Vimas. So I'm not going to talk all the time. I'm going to invite the another our previous students, those who have been successful in this profession. So mere paas do teen options hai. One option is I would like to invite the students who has completed his education from India. He went to Canada. He didn't approach towards the PEVC, but he is working as a nuclear pharmacist. Okay. So if you are interested, I can invite him on next week. One of my friend, he is operating his business in Australia, pharmacy business. Hum usko bula sakte hain. Third option is, what is the trend in pharmaceutical industry across the globe? ये थर्ड ऑप्शन सब्जेक्ट है हमारे पास और फोर्थ ऑप्शन है कि हम इंडिया में कैसे कुछ बेहतर कर सकते हैं. ये चार पॉइंट्स में से आप मुझे कमेंट करके लिख के भेजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में नेक्स्ट वीक को ऑर्गेनाइज करना है. जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे रिकमेंड करेंगे उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक का सेशन रखेंगे. पहला न्यूक्लियर फार्मास्यूटिकल, दूसरा बिजनेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर लाइसेंसिंग एग्जाम्स एवरीथिंग, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन डेवलप्ड कंट्री. And third is what are the trend in research and industrial sector across the globe. And fourth one is India mein pharmacy ke liye kya kar sakte hain. And health mission of India, uske saath mein hum kaise align kar sakte hain. Ye char topics hai, aage piche karke hum karna hi hai. Matlab next 4 weeks mein hum ye char topics ko hi cover karenge. Par aapka reference jo rahega ki this is the first point you can cover. तो हम नेक्स्ट वीक में उसके ऊपर से सब्जेक्ट कर सकते हैं. और कोई भी बात आप अगर करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. और कोई सब्जेक्ट्स भी आपके दिमाग में है तो आप रिकमेंड कर सकते हो. ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने न्यूक्लियर फार्मासिस्ट विदाउट गोइंग टुवर्ड्स पीबीसी अश्विनी का रेफरेंस है. श्रेयांश ने बिजनेस इन डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात किया है. श्रेय शाह ने बिजनेस, सेकेंड ऑप्शन इज प्रिफर्ड बिजनेस. सेकेंड पॉइंट सर, बिजनेस वाला पॉइंट भारत के लिए कोई नहीं सोच रहा है. चलो कोई बात नहीं, न्यूक्लियर फार्मेसी भी एक पॉइंट है. ज्यादातर स्टूडेंट्स कनाडा जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि न्यूक्लियर फार्मेसी को नेक्स्ट वीक रखेंगे, उसके बाद में हम बिजनेस को रखेंगे. ओके, रोहन का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है. फार्मेसी स्टूडेंट्स गोइंग टू कैनेडा स्विचिंग देयर प्रोफेशन, ये भी हम फिफ्थ सेशन पे रखेंगे. बी फार्मा करने के बाद वन ऑफ अवर स्टूडेंट ही हैज स्टार्टेड वर्किंग एज ए कंप्यूटर इंजीनियर और सिटीजनशिप भी मिल गई है अभी. और नाउ ही इज प्लानिंग टू माइग्रेट टू यूएस एज ए कैनेडियन सिटीजन एंड वर्किंग. करंटली ही इज वर्किंग इन बैंक एज ए कंप्यूटर ऑफिसर. ओके, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को 360 डिग्री भी चेंज करना है प्रोफेशन तो कैसे कर सकते हो. ओके, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. बहुत आपका टाइम ले लिया मैंने, पर दैट वाज अ ग्रेट सेशन. ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ज्वाइन किया. आई होप
कि ये अच्छा ही रहेगा, इसको हम YouTube पे और हमारे पोर्टल पे लगा देंगे, आपके किसी भी फ्रेंड्स को ये अगर देखने की इच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कनाडा से लिख के भेजा था कि सर दिस इज द टाइम डिफरेंस, एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू अटेंड द सेशन, तो आप उसको ऑनलाइन हमारे लिए एक्सेस करवाइए, तो ये एक्सेस हो जाएगा और वी आर गोइंग टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, हैव अ गुड टाइम. अगर यहाँ पे पूछने जैसा है तो पूछ लीजिए, वरना हम टेलीफोनिक भी बात कर सकते हैं. ओके सर, पर्सनल क्वेश्चन है तो टेलीफोनिक ही बात कर लेते हैं. टेलीफोनिक ही कर लेते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को डीरेल ना हो. और इवनिंग में अगर आप कॉल करोगे तो दैट वुड बी ग्रेट. ओके ओके सर, आप टाइम बता दीजिए, 7:30 को कर लीजिए. थैंक यू सर. ओके डन, तो ऐसा करेंगे एंड गुड, हैव अ गुड टाइम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सर. ओके थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर. बाय बाय सर. बाय. थैंक यू सर.